ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा, पावन भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से एकत्र हुए मेरे व पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोला कि हे राजन, उस समय पांडवों की चक्राकार सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे चक्राकार रूप में आपके ही बुद्धिमान शिष्य व द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड़ा किया है। पांडवों की इस विशाल वाहनी सेना में विशाल धनुष वालों, युद्ध में भीम व अर्जुन जैसा बल रखने वाले अनेक बलशाली वीर सम्मिलित हैं। ऐसे वीरों में सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, वृष्टकेतु, चेकितान, बलशाली काशीराज, पुरोजित कुंतीभोज, मानवों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। ये सभी एक से बढ़कर एक महारथी हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, हमारी ओर से जो प्रमुख वीर युद्ध भूमि में खड़े हैं, उन्हें भी आप जान लें। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के प्रमुख सेना नायकों के बारे में बतलाता हूँ। एक तो आप स्वयं ही हैं, आपके अतिरिक्त पिता महाभीष्म, कर्ण युद्ध विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा अन्य अनेक शूरवीर हैं, जो मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और वे सभी युद्ध कला में बड़े ही निपुण हैं। हमारी सेना पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित होने से हर प्रकार से अजय है, इसे जीता नहीं जा सकता। जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना भीम के द्वारा रक्षित है, लेकिन उसे जीतना सरल है। अतः सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर आप सभी पितामह भीष्म को सभी तरफ से रक्षा करें। दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के को इस प्रकार बतला रहा था, तो उसके वचनों को सुनकर उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कौरवों में वयोवृद्ध व प्रतापवान भीष्म पितामह ने सिंह के दहाड़ने के समान उच्च स्वर में गरजकर शंख बजाया। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि वाद्य एक साथ बज पड़े। उन वाद्यों का शब्द बड़ा भीषण था। इसके बाद श्वेत अश्वों से जुते रथ में विराजमान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांच जन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीष्ण कर्मकर्ता, भीम ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। श्रेष्ठ तनुधर काशीराज, महारथि शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट व अजय सात्यकी, द्रुपद, महारानी द्रौपदी के पांचों पुत्र व दीर्घ बाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने हे राजन सभी तरफ से पृथक पृथक शंख बजाए। शंखनाद से धरती और आकाश गूंज उठे और धृतराष्ट्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। तत्पश्चात हे राजन कपिध्वज, अर्जुन ने मोर्चा साधे धृतराष्ट्रों को देखकर शस्त्र संचालन की तैयारी के समय अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए और तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं ये अच्छी तरह से न देख लूँ कि इस युद्ध व्यापार में किन किन युद्ध अभिलाषियों ने से मुझे युद्ध करना उचित है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा उसकी सेना में सम्मिलित होकर यहाँ उपस्थित हुए, उन योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ के दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने रथ को वहाँ खड़ा किया जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सभी प्रमुख राजा खड़े थे। फिर अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र इन कौरवों को देख। फिर प्रतापत पुत्र अर्जुन ने वहाँ उपस्थित चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को भी दोनों पक्षों के सेनाओं में देखा। कुंती पुत्र अर्जुन उन सभी बंधु बांधवों, श्रद्धा योग्य श्रेष्ठ जनों को वहाँ उपस्थित देख कर करुणा से पूरित होकर शोक करता हुआ बोला, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध की कामना से उपस्थित देख कर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखता जा रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। मुझे रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष छूटता जा रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, अतः मैं खड़ा रहने में भी सक्षम नहीं हूँ, अर्थात लड़ खड़ा रहा हूँ। ये केशव, मैं सभी लक्षण प्रतिकूल देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजनों को मार कर मुझे कल्याण दिखाई नहीं पड़ रहा। हे कृष्ण, मैं विजयी होना नहीं चाहता, ना ही मुझे राज्य पाने व उससे होने वाले सुखों की इच्छा ही है। हे गोविंद,
ऐसे राज्य सुख भोग वह जीवन से क्या लाभ है जिनके लिए हमें राज्य प्राप्ति सुख भोग आदि की कामना है। वही लोग अपने धन व जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के इस मैदान में उपस्थित हैं। इन लोगों में गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्रादि, दादा, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले व अन्य संबंधी भी हैं। अतः है मधुसूदन, भले ही ये मुझे मारे, मैं इन तीनों लोगों को प्राप्त करने के लिए भी इन्हें नहीं मारूंगा। पृथ्वी लोक के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। अतः हे माधव, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को जो अपने ही बांधव हैं मारना हमें शोभा नहीं देता, और फिर अपने ही लोगों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकेंगे। यद्यपि लोभ के वशीभूत हुए ये लोग वंश नष्ट होने के दोष को तथा मित्रों से शत्रुता करने में पाप को नहीं देख रहे, लेकिन हे जनार्दन, हमें तो कुल नाश से उत्पन्न दोषों का पता है। फिर हमें इस पाप या दोष से बचने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म के नष्ट होने से कुल में पाप की वृद्धि हो जाती है। हे कृष्ण, पाप की अधिकता से कुल की स्त्रियां दूषित या नष्ट हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर कुलाघातियों व कुल दोनों को ही नर्क में ले जाने वाला है। जहाँ वर्ण संकरता है वहाँ श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएँ भी नहीं होती। इसके फलस्वरूप पितरों का पतन होता है। वर्ण संकरता के इन दोषों के कारण कुलाघातियों के उन कुल व जाति धर्मों का नाश हो जाता है जो अनादि काल से चले आ रहे हैं। हे जनार्दन, जिन लोगों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन्हें अनंत काल तक नर्क में ही वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। हाँ, शोक करता हुआ, हम लोग बुद्धिमान हैं फिर भी ये घोर पाप करने में उद्यत हुए हैं। हम राज्य व सुख के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हुए हैं। यदि मुझे प्रतिकार न करने वाले व शस्त्र रहित को धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र युद्ध में मार डालें तो मेरे लिए कल्याणकारी ही होगा, संजय ने कहा। और इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक के कारण उद्विग्न मन वाला होकर धनुष बाण को छोड़कर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय अर्थात द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय ने कहा कि करुणा व शोक से युक्त अर्जुन के नेत्र व्याकुल हो गए और अश्रु आ गए। तब अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने कहा, हे अर्जुन, इस असमय में तुझे मोह किस लिए हुआ है? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी इसका आचरण नहीं किया। ये ना तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, ना ही कीर्ति देने वाला है। इसलिए हे पार्थ, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तेरे लिए यह उचित नहीं है। ये परम तप, तू हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, युद्ध पर के इस मैदान में मैं भीष्म पितामह व आचार्य द्रोण पर किस प्रकार बाण चला पाऊँगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वह दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अतः इन महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा का अन्न भक्षण करना कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्त से सने अर्थ व काम रूपी भोगों का ही तो उपभोग करूँगा। हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना। अथवा हमें यह भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या फिर वे ही हमें जीत लेंगे। जिन्हें मारकर हम जीवित ही नहीं रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अतः कायरता रूपी दोष के कारण अपने क्षत्रिय स्वभाव से गिर चुका मैं धर्म अधर्म के बारे में आपसे पूछता हूँ। और जो भी साधन मेरे लिए कल्याणकारी हो वही मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः आपकी शरणागत हूँ। आप मुझ पर शासन करें, मुझे मेरा सही मार्ग सुझाएं। हे गुरुदेव, पृथ्वी की एक छत्र धन धान्य से आपूर्त राज्य व देवताओं का स्वामित्व पा लेने पर भी मुझे वह साधन दिखाई नहीं पड़ता जिससे इंद्रियों को सुखा देने वाली मेरे शोक को दूर किया जा सके। मेरा ये धर्म विषयक संताप तो बढ़ता ही जा रहा है। संजय ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर निद्रा जयी अर्जुन सर्वत्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर वे मौन हो गए। तत्पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, जो लोग शोक करने के योग्य हैं ही नहीं उनके लिए तो शोक करता है। इस पर भी पंडितों की तरह बोलता है, लेकिन पंडित जन ऐसे लोगों के लिए कभी शोक नहीं करते जिनके प्राण निकल चुके हैं और जिनके प्राण नहीं निकले हैं। वस्तुतः आत्मा अमर है, इसका क्षय नहीं होता। अतः शोक करना व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, या फिर ये सब राजा नहीं थे अर्थात थे। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम कभी रहेंगे ही नहीं।
इस शरीर में जीवात्मा की जैसे बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसे अनेक शरीर की भी प्राप्ति होती है, अन्य शरीर की भी। इसलिए बुद्धिमान व धीर जन इस विषय के को लेकर कभी मोह में नहीं पड़ते। ये कौन थे? इंद्रिय व्यविषयादि सुख दुख तो सर्दी गर्मी देने वाले हैं, ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं और अनित्य हैं। अतः हे भारत, उनको तू सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समझने वाले जिस धीर जन को इंद्रिय व उसके विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष पाने का अधिकारी होता है। या जुन जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता, विनाशवान है, लेकिन जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। यानी जनों द्वारा सत्व असत दोनों ही वस्तुओं का तत्व देखा हुआ है। इस रीति से तो अविनाशी तत्व को जान, उसी से यह दृश्यमान जगत व्याप्त है, क्योंकि उस अविनाशी तत्व को नष्ट करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। जितने भी शरीर हैं ये सभी नाशवान हैं, और ये शरीर अविनाशी अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के हैं। जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू युद्ध कर। वह लोग जो आत्मा को मारने वाला समझते हैं और वह लोग जो आत्मा को मरने वाला समझते हैं, दोनों ही अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। कारण कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही कोई उसे मार सकता है। आत्मा का ना तो किसी काल विशेष में जन्म होता है, ना ही मरण होता है, तथा ना ही यह उत्पन्न होकर पुनः होने वाला है। कारण कि आत्मा तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। फिर शरीर नष्ट हो जाने पर भी इसका मरण कैसे हो सकता है? ये पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय रूप से जानता है, वह कैसे और किसको मरवाता है और किसको मारता है? अर्थात वह सब जानता है कि आत्मा मरने वाला नहीं है, और वह किसी को मारने की चेष्टा या मरवाने की प्रेरणा क्यों करेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने या वृद्ध शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकता। कारण कि आत्मा अच्छेद्य, अदहाय, अकलज्ञ, अशोष्य है, और यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, सनातन व स्थिर है। आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य, निर्विकार कहा गया है। अतः है अर्जुन, तो आत्मा को इस प्रकार का जानकर शोक करने के लिए योग्य नहीं है। ये महाभाव, यदि तो ऐसा मानता भी है कि आत्मा तो सदा जन्मता मरता रहता है, ऐसा सोचने या मानने पर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। कारण कि यदि ऐसा मान भी लिया जाए तो जन्मने वाला निश्चित समय पर मरता अवश्य है, और जो मरता है उसका जन्म भी होता है, इसलिए तुझे शोक करना उचित नहीं है। ये अर्जुन, संसार में जितने भी प्राणी हैं जन्म से पूर्व अव्यक्त थे, अर्थात शरीर रहित थे, इसी तरह मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, तब भी शरीर रहित होते हैं। इस तरह ये शरीर मध्य की स्थिति है, तब फिर इस विषय में शोक करने का क्या औचित्य है? ये अर्जुन, ये आत्मतत्व बहुत गूढ़ है, इसे कोई तो आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका बखान आश्चर्य की तरह करता है। इसी तरह कोई महापुरुष इस आत्मतत्व को आश्चर्य की तरह श्रवण करता है, तथा कोई तो सुनकर भी आत्मतत्व को जान नहीं पाता। हे भारत, आत्मा सभी शरीरों में अविद्या है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी जीवों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। निज धर्म को देखकर भी हे अर्जुन, तुझे भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म या कर्तव्य धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। ये प्रथा पुत्र पार्थ, स्वतः प्राप्त हुए स्वर्ग के द्वारों को सहज रूप से खोलने वाले इस तरह के युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अब यदि तू इस धर्म में युद्ध को नहीं करेगा या इस युद्ध को नहीं लड़ेगा तो निज धर्म और यश को गवा कर पाप का भागी बनेगा। इतना ही नहीं, लोग दीर्घ काल तक रहने वाले तेरे अपयश का बखान करेंगे। यह भी तथ्य है कि सम्मानीय व्यक्ति भी के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। युद्ध न करने की स्थिति में वह लोग भी तुझे तुच्छ समझेंगे, जिनकी दृष्टि में तू परम सम्मानीय है। ऐसे महारथी तुझे युद्ध से भयभीत हुआ जानकर युद्ध न करने वाला मानेंगे। और सुन, तेरे शत्रु ही तेरी क्षमता की निंदा करते हुए ना कहने वाली बातें कहेंगे। इससे जो दुख तुझे प्राप्त होगा उससे बढ़कर अन्य दुख और क्या होगा? युद्ध में यदि तेरी मृत्यु हो गई तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा युद्ध जीत कर तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कौंतेय, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। दुख, सुख, लाभ, हानि, जय, पराजय का को समान मानकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार किए गए युद्ध से तुझे पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तुझे ज्ञान योग के विषय में दी गई है, अब किसी को कर्म योग के विषय में सुन। इसके द्वारा तू कर्म बंधनों को पूर्णतः त्याग देगा। कर्म योग में बीज का नाश नहीं होता और ना ही फल रूपी दोष लगता है, वरन कर्म योग रूपी धर्म का अल्प साधन महाभय से रक्षा करता है। अर्जुन, कर्म योग रूपी कल्याण के मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि केवल एक ही होती है, लेकिन जो अस्थिर विचार वाले हैं, ज्ञानहीन हैं, कामी हैं, उनकी बुद्धियाँ
बहु वेद वाली वह अगणित होती हैं। हे पार्थ, जो भोगों में ही संलिप्त रहते हैं, जिनकी निष्ठा कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही है, जो इन्हीं को सब कुछ मानते हैं, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु स्वर्ग को ही मानते हैं, जिनके लिए स्वर्ग से बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसे कथनकर्ता अज्ञानी हैं और अज्ञानता वश ही पुष्पित वाणी कहा करते हैं। भोग और ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट चित्त वाले अज्ञानों के अंतकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि का अभाव रहता है। ये अर्जुन, वेद त्रिगुणों के कार्य रूपी भोगों व उनके साधनों के प्रतिपादन करता है, अतः तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर नित्य वस्तु अर्थात परमात्मा में स्थित हो। योग व क्षेम को न चाहने वाला वह आत्मपरायण है, क्योंकि जिसे परिपूर्ण बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाए तो फिर उसे अपूर्ण लघु जलाशय से क्या प्रयोजन रह जाता है। ठीक इसी तरह जिसे ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति हो जाए तो फिर उसे वेदों से क्या प्रयोजन रह जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फल में नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु मत बन, अर्थात कर्मफल में आसक्ति न रख, लेकिन कर्म न करने में भी आसक्ति न रख, अर्थात कर्म का त्याग भी मत कर। हे धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके वह सिद्धि आसक्ति में सम बुद्धि रखकर योगस्थ हुआ तो कर्मों को कर, इसी को समत्व योग कहते हैं। कर्म को समत्व बुद्धि योग से निम्न स्तर का कहा जाता है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ले, कारण कि जिन्हें फल की कामना होती है उन्हें अति दीन कहा गया है। जिसकी सम्बुद्धि है और जो पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है, इनको वह इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तू समत्व बुद्धि में लग जा, यह योग ही कर्म पाशा से छूटने का एकमात्र साधन है। जिन ज्ञानी जनों की सम्बुद्धि है वह कर्मोत्पन्न फलों को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर विकार रहित अमृतमयी पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है। ये कौनते, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तू श्रवणीय वैश्रुत सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात भोगों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। अनेक बातों या वचनों को सुनने से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाएगी, तभी तुझे योग की प्राप्ति होगी, तभी तुझे समत्व बुद्धि उत्पन्न होगी तथा परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के सार गर्भित वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है? ऐसा पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात यह वे कैसे व्यवहार करता है, आप ये बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य संपूर्ण मनोकामनाओं को का परित्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। युद्ध आ पड़ने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुख मिलने पर जो सदैव निष्प्रह रहता है तथा जिसके रोग भय क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जिसका किसी से कोई लगाव नहीं है, जो अच्छी या बुरी वस्तु को प्राप्त करके भी ना तो प्रसन्न होता है ना ही दुखी होता है, अर्थात द्वेष नहीं करता, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और भी सुन, जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को उसके विषयों से विमुख कर देता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को विषयों से विमुख करने पर विषयों से छुटकारा तो मिल जाता है, लेकिन आसक्ति बनी रहती है। फिर भी जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार होने से छूट ही जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति लगाव और राग नष्ट न होने पर वह इंद्रियां जिनके स्वभाव में ही प्रमथन करना है, साधारणतः मनुष्य के मन पर बलात् हरण कर लेती हैं। इन सभी को वश में करके समाहित चित्त से मेरे परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जो विषयों का चिंतन करता है उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने से उन विषयों को पाने की कामना उत्पन्न होती है, और जो विषयों को प्राप्ति नहीं होती तब क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध के कारण मूढ़ता उत्पन्न होती है, और मूढ़ता से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य लक्ष्य से भटक जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जो राग द्वेष रहित इंद्रियों के विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्न अंतकरण वाला होता है, मन चित्त में अंतकरण की प्रसन्नता से दुखों का नाश हो जाता है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि सभी ओर से विमुख होकर एकमात्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसका मन में इंद्रिया वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले के मन में भावना भी नहीं होती, और भावना के ना होने से शांति नहीं मिलती है। ऐसे अशांत मन मनुष्य को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जिस प्रकार जल में चलने वाली नौका को वायु अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के मध्य मन जिस किसी इंद्रिय के साथ रहता है, वह एकमात्र इंद्रिय ही अयुक्त मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेती है। इसलिए महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियाँ इंद्रियों विषयों से वियुक्त की हुई हैं, अर्थात विषयों से विमुख की जा चुकी हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। संसार के सभी जीवों के लिए जो रात्रि होती है, उसमें ब्रह्मज्ञानी जागता है, और ब्रह्मज्ञानी के लिए वह सवेरा है। इसके विपरीत जब माया में संसार का जागरण होता है, तब योगी की रात्रि होती है।
इस प्रकार अनेक नदियों में जल शांत समुद्र में बिना कोई हलचल मचाए समाविष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार संसार के सारे भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना कोई विकार उत्पन्न किए समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसा पुरुष ही परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगेचु। जो मनुष्य सभी कामनाओं का परित्याग करके ममता अहंकार स्पृहा से रहित होकर विचरण करता है, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। ये पांच स्थिति उस पुरुष की है जिसने ब्रह्म को पा लिया है। ब्रह्म स्थिति को प्राप्त पुरुष कभी भी मोहित नहीं होता था, अंतकाल में ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ओम तत्सत श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय अतः तृतीय अध्याय कर्मयोग। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे ये भीष्म कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं? ऐसे मिले जुले से वचन कहकर आप तो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, अतः कोई एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार के निष्ठाएं पूर्व काल में मेरे द्वारा कही जा चुकी हैं। उनमें से एक निष्ठा ज्ञान योगियों के लिए है और दूसरी योगियों के लिए। ज्ञान योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। मनुष्य कर्मों के ना करने से निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होता और ना ही कर्मों के त्यागने से वह सिद्धि को प्राप्त होता है अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्मों के स्वरूपतः सर्वथा त्याग संभव भी नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में कर्म किए बिना क्षण मात्र भी नहीं रहता। कारण कि मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होने से कर्म के लिए गुणों द्वारा ही बाध्य किया जाता है। अतः जो मूर्जन इंद्रियों को बलात् रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह दम्भी कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को मन द्वारा वशीभूत करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है उसे ही श्रेष्ठ कहा जाता है। अतः तो शास्त्रों में बताए गए योग्य कर्मों को कर, कारण कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और फिर कर्म न करने पर तेरे शरीर का निर्वाह की सिद्धि भी तो नहीं होगी। मनुष्य उन्हीं कर्म बंधनों में बंधता है जो यज्ञ आदि के लिए किए जाने वाले कर्मों से भिन्न है। अतः एक कुंती पुत्र, तू निरासक्त होकर यज्ञ आदि के लिए कर्म कर। सृष्टि रचयिता प्रजापति ब्रह्मा ने कल्पादि में यज्ञ के साथ ही प्रजाओं की रचना की थी तथा उन्हें कहा था कि तुम यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे। ये यज्ञ ही तुमको वांछित भोग प्रदाता हो, अर्थात यज्ञ द्वारा ही तुम भौतिक और आध्यात्मिक इष्टों को प्राप्त करो। तुम यज्ञ द्वारा देवताओं को समुन्नत करो, ये देवता आदि तुम्हें उन्नत करें। इस तरह स्वार्थ रहित होकर तुम लोग एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ द्वारा समुन्नत ये देवता तुम्हें मांगे बिना ही वांछित भोग प्रदान करते रहेंगे। इस तरह देवताओं द्वारा प्रदत्त भोगों का जो मनुष्य उन्हें अर्पित किए बिना ही भोग करता है वे चोर है। यज्ञ अवशेष अन्न को जो खाते हैं वे पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग देह पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न द्वारा ही होती है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ द्वारा होती है और यज्ञ शास्त्र वर्णित कर्मों द्वारा होता है। कर्मों को तो वेदों से उत्पन्न जान, और वेद अविनाशी परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुए हैं ऐसा जान। इससे स्पष्ट है कि सर्वत्र व्याप्त परमाक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। ये बात जो मनुष्य इस संसार में परंपरागत सृष्टि चक्र अनुसार कर्तव्य कर्मों को नहीं करता, इंद्रिय सुख भोगी पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मप्रेमी आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट होता है उसके लिए कोई भी कर्तव्य विधान नहीं है। कारण कि ऐसे आत्मनिष्ठ मनुष्य का इस सृष्टि में कर्म करने का कोई प्रयोजन या ध्येय नहीं है। इसी तरह कर्म ना करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। उसका सांसारिकों से कोई स्वार्थ नहीं होता। वह जो भी कर्म करता है लोक हित के लिए करता है। अतः तो निरासक्त होकर सतत कर्तव्य कर्म को भली प्रकार कर, क्योंकि निरासक्त कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी निरासक्त कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसीलिए लोक संग्रह को देखता हुआ तो कर्म करने के योग्य है। श्रेष्ठ जन जो जो आचरण करते हैं अन्य लोग भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ जन जो प्रमाण करता है अन्य भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। पार्थ मुझको ही देख, तीनों लोकों में मेरे करने के लिए कुछ भी कर्तव्य या कर्म श्रेष्ठ शेष नहीं है। ना कोई ऐसी प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं तब भी मैं कर्म करता हूँ। ये बात यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो जाए। कारण कि सांसारिक मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूँ तो सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता का कर्ता हो जाऊँ। वह प्रजा
का नाशक बनूं। अतः हे भारत, जिस प्रकार कर्मासक्त ज्ञानी लोग कर्म करते हैं, उसी प्रकार निरासक्त विद्वान पुरुष को भी लोक शिक्षा की कामना हेतु कर्म करना चाहिए। ज्ञानी को चाहिए कि वे कर्मासक्त ज्ञानियों की बुद्धि में कर्मों के प्रति अश्रद्धा को न जगाएं, वरन स्वयं भी परमात्मा बुद्धि रखते हुए कर्मों को भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाएं। वस्तुतः तो सभी कर्म हर प्रकार की प्रकृति गुणों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तद्यपि जिसके मन में अहंकार भाव है, ऐसा अहंकारी पुरुष स्वयं को ही कर्ता मानता है। लेकिन ये महाभाव गुण और कर्म विभाग को तत्वज्ञानी ये मानकर कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, वह उनसे निरासक्त ही रहता है। प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त लोग गुणों व कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। वह मन बुद्धि उनको पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन जो जानता है उसे चाहिए कि वह उन मन बुद्धियों को विचलित या भ्रमित न करे। अतः अर्जुन, तो परमात्मा बुद्धि से अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके आशा ममता संताप को छोड़कर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित होकर श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा बताए मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जो मुझ में दोष बुद्धि रखते हुए मेरे मतानुसार नहीं चलते, ऐसे मूढ़जनों को तू सर्व ज्ञानों में मोहग्रस्त और नष्ट प्राण ही जान। सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, वे सभी पृथ्वी के अनुसार प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, तब इसमें किसी का भी हट या निग्रह क्या करेगा। अतः मनुष्य को इंद्रियों के भोगों में विद्यमान राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल्याण मार्ग में ये बाधा पहुंचाने वाले हैं। निज धर्म गुण रहित होने पर भी अन्य धर्म से श्रेष्ठ है। निज धर्म का निर्वाह करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना भी कल्याणकारी है, जबकि अन्य का धर्म भयप्रद है। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण, यदि ऐसा है तो फिर मनुष्य स्वयं न चाहकर भी किसके द्वारा बलात् प्रेरित से पापाचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अर्जुन, रजोगुण के द्वारा उत्पन्न काम ही क्रोध है। इन भोगों से कभी तृप्त न होने वाला वह घोर प्रापी है, उस विषय में तू उसे शत्रु ही समझ। इस तरह धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह ज्ञान भी काम से ढका रहता है। कौनते काम ज्ञानियों का सदैव से शत्रु है। मनुष्यों का ज्ञान भी काम से आवृत है। जैसे अग्नि की सभी कभी तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम की भी कभी नहीं होती। इसलिए काम को अग्नि के समान कहा गया है। ये काम इंद्रियों मन व बुद्धि में वास करता है। इन स्थानों में रहता हुआ काम ज्ञान को आवृत कर जीवात्मा को मोहता है। अतः अर्जुन, सर्वप्रथम तू इंद्रियों को वशीभूत करके ज्ञान विज्ञान के नाशक इस पापी काम का निश्चय पूर्वक वध कर। यदि तू ये समझता है कि ऐसा करने से तेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इंद्रियों को इस स्थूल शरीर से अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहा गया है। लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म अर्थात वह मन है। मन से भी बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यधिक आत्मा है। इस तरह बुद्धि से भी अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म अपनी आत्मा को जानकर तथा बुद्धि द्वारा मन को वशीभूत करके हे महाभाव, तू कर्म रूपी इस दुर्जय शत्रु को मार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय अथ चतुर्थोध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये अविनाशी योग कल्प के प्रारंभ में मैंने विवस्वान अर्थात सूर्य को बताया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इश्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा अनुसार ये योग राज ऋषियों ने जान लिया। लेकिन हे परम तप अर्जुन, चिरकाल से ये योग इस भूलोक में लुप्त प्राय हो चुका था। वही ये प्राचीन योग अब मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्त व प्रिय सखा है। ये रहस्य परम गोपनीय है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपका जन्म तो अब हुआ है, जबकि विवस्वान सूर्य का जन्म तो कल्प के प्रारंभ में ही हो चुका था। तब मैं कैसे मानूं कि आपने विवस्वान को यह योग बताया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे पहले भी अनेक जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों को तू नहीं जानता, लेकिन मैं उन जन्मों को जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत नहीं होता था, सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं होता। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, लेकिन सभी जीवों का ईश्वर होने पर भी मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब भी धर्म का क्षय होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं निज रूप की रचना करता हूँ और साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुजनों के कल्याणार्थ, पापियों के विनाशार्थ वह धर्म की स्थापना हेतु मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे अलौकिक जन्म वह कर्म को तत्व जान लेना है, उसे शरीर छोड़ जो जान लेता है उसे शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। पूर्व में भी जिन लोगों ने राग भय क्रोध पूर्णता नष्ट हो चुके हैं, जिनके जिनकी प्रति मेरी रागात्मक प्रवृत्ति थी,
गए। ऐसे मेरे आश्रित हुए अनेक भक्त ज्ञान योग रूपी तप से की पावनता पाकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हे पार्थ, जो लोग मुझे जिस प्रकार बचते हैं, मैं भी उन्हें उसी तरह बचता हूँ, क्योंकि मनुष्य सब तरह से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। जो मुझे तत्व नहीं जानते, वही लोग इस मनुष्य लोक में कर्म फल की कामना से देवताओं की पूजा करते हैं, कारण कि उनके कर्मों द्वारा उत्पन्न सिद्धि उन्हें शीघ्र होती है। लेकिन ऐसे मनुष्यों को मेरी प्राप्ति नहीं होती। अतः अर्जुन, तू सब तरह से मुझको ही बच। गुण कर्म के विभाजन अनुसार चार वर्णों की रचना भी मेरे द्वारा ही हुई है। इस सृष्टि रचना कर्म को करने वाला होने पर भी, हे अर्जुन, तू मुझ विनाश रहित परमात्मा को कर्ता मत समझ, अर्थात अकर्ता ही समझ। कर्मफल में मेरी स्पृहा न होने से भी कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। जो मुझे इस प्रकार तत्त्व जान लेता है, वही कर्म बंधन में नहीं बंधता। पूर्व काल में भी मुमुक्षणों, अर्थात जो कर्म बंधन और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते थे, ऐसे लोगों ने इस तरह के यही जानकर कर्म किए हैं। अतः तू पूर्वजों द्वारा सदैव किए जाने वाले कर्मों को कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका विचार करते समय बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त या भ्रमित हो जाते हैं। अतः अर्जुन, कर्म का तत्व मैं तुझे भली प्रकार समझा कर कहूँगा, जिसको जानकर तू संसारिक कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस तरह अकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्य में विद्यमान बुद्धिमान है और वह योगी ही सर्व कर्म करता है। जिस मनुष्य के शास्त्र विहित सभी कर्म अकामना व असंकल्प वाले होते हैं, जिसके सर्व कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो चुके हैं, उसी को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। जिसने कर्मफल के प्रति आसक्ति को पूरी तरह त्याग दिया है तथा जिसकी सांसारिक क्रियाकलापों में आसक्ति नहीं रही, जो एकमात्र परमानंद में ही सदैव लीन रहता है, जो कर्म करता वस्तुतः कुछ भी नहीं करता, जिसने मन व इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है तथा जिसे सांसारिक भोगों का सर्वथा जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित मनुष्य को शरीर संबंधी कर्म करने पर भी पाप नहीं लगता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी में वह संतुष्ट रहे, ईर्ष्या न करे, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से जो अतीत हो, किसी कार्य की सफलता या विफलता में जो सम्बुद्धि रहे, ऐसे कर्मकर्ता कर्मों के बंधनों में कभी नहीं बंधते। जो निरासक्त है, देहाभिमान व मोह जिसका नष्ट हो गया है तथा जिसका चित्त जिसका मन परमात्म ज्ञान में ही लगा रहता है, यज्ञाचरण करने वाले ऐसे मनुष्यों के कर्म पुण्यतः नष्ट हो जाते हैं। जिस यज्ञ कर्म में सोवा आदि अर्पण भी ब्रह्म है, हवि हवनीय द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप यज्ञकर्ता द्वारा किया गया हवन भी ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म कर्मस्थ योगी द्वारा प्राप्त कर्मफल भी ब्रह्म ही है और ब्रह्म मुक्त स्वभाव है, वह बाधता नहीं है। कुछ योगीजन देव पूजन रूपी यज्ञ ही करते हैं तथा कुछ अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्म स्वरूप अग्नि में विभेद दर्शन रूपी यज्ञ द्वारा आत्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं, अर्थात यज्ञ द्वारा यज्ञ हवन किया करते हैं। कुछ योगीजन श्रोत्रादि संपूर्ण इंद्रियों का संयम अग्नि में हवन करते हैं तथा इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं। कुछ अन्य योगीजन शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ अन्य योगीजन इंद्रियों की समस्त क्रियाओं और प्राण क्रियाओं का ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयम अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात परमात्म चिंतन ही किया करते हैं, यही उनके लिए हवन है। कई अन्य द्रव्य यज्ञ करते हैं, उन्हें उनका परमात्म भाव रहता है। कई योग यज्ञ करते हैं, अर्थात निज धर्म का पालन करते हुए तप करते हैं। कई लोग अष्टांग योग रूपी यज्ञ करते हैं। कई अहिंसा आदि कठोर व्रतों का पालन करते हुए स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। कितने ही अन्य योग्य पुरुष अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं। कितने ही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। इसके अतिरिक्त कितने ही अन्य योगी पुरुष प्राण में अपान की गति को रोककर प्राणायाम किया करते हैं। कितने ही अन्य योगी पुरुष नियमित आहार करते हुए प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ऐसे योगी पुरुष यज्ञ आदि के द्वारा पापों का शमन करने वाले वे यज्ञों के ज्ञाता होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञावशिष्ट अमृत तथा यज्ञों द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाले योगी पुरुष परब्रह्म परमात्मा को पाते हैं। लेकिन जो पुरुष यज्ञ आदि कर्म नहीं करते, उन्हें ये परलोक मनुष्य लोग भी सुख प्रदान नहीं करता, फिर परलोक कैसे सुखदायी होगा। इस तरह के अनेक यज्ञ आदि वेदवाणी द्वारा विस्तारित किए गए हैं। तू मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं से संपादित होने वाला इन्हें जान, ऐसा जानकर तो मुक्त हो जाएगा। ये परम तप अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं द्वारा होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूपी यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं उनकी अंतिम परिणति ज्ञान ही है। इसलिए तू तत्व ज्ञानियों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस ज्ञान को ग्रहण कर। तत्व ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश अवश्य ही देंगे।
सत्व ज्ञान को जान लेने पर भी तुझे मोह नहीं होगा हे अर्जुन। उस ज्ञान की प्राप्ति होने पर तू अपने वह संसार के सभी जीवों में मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा के दर्शन करेगा। यदि तू पापियों में महापापी है तब भी ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से पाप रूपी समुद्र के को कुशलतापूर्वक पार कर जाएगा। कारण कि जिस तरह प्रज्वलित अग्नि सभी इंधनों को भस्म रूप बना देती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि भी संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के जैसा पवित्र करता निश्चय ही कुछ भी नहीं है। उसी ज्ञान को कि कितने ही काल में कर्मयोग से पवित्र मन वाला मनुष्य अपने ही भीतर आत्मा के रूप में अनुभूति करता है। उस ज्ञान को वही पाता है जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है। जिसमें श्रद्धा का भाव है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बिना किसी विलंब के भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को पा जाता है। अर्जुन, जो ज्ञानी है जिसमें श्रद्धा भाव नहीं है और जो संशयालु है, वे परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है। उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना ही परलोक में। ये धनंजय, जिसने कर्मयोग द्वारा अपने सभी कर्म भगवान के आगे समर्पित कर दिए हैं, विवेक द्वारा जिसके समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले वह परमात्मा का चिंतन करने वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए ये भारत, तो अपने मन में अज्ञानतावश उत्पन्न सभी संशयों को ज्ञान रूपी खटक से काट कर समत्व बुद्धि योग का आश्रय लेकर युद्ध के लिए उठ जाओ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय अथा पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, एक तरफ तो आप कर्म के संन्यास की बात करते हैं, दूसरी तरफ कर्म योग की प्रशंसा भी करते हैं। अतः एक बात तो निश्चित कीजिए, इन दोनों में से कल्याणकारी साधन कौन सा है, वही मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास व कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, फिर भी दोनों में से कर्मयोग सरल होने के कारण कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे महाभाव, जो मनुष्य ना तो किसी से घृणा करता है ना ही किसी की कामना करता है, ऐसे कर्मयोगी को संन्यासी ही समझना चाहिए। कारण कि जिसके राग द्वेष आदि द्वंद नष्ट हो गए हैं, वह मनुष्य संसार रूपी बंधन से सहज ही मुक्त हो जाता है। अर्जुन, संन्यास व कर्मयोग को मूढ़जन ही अलग अलग फल देने वाला बतलाते हैं, विद्वान जन ऐसा कभी भी नहीं कहते, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी एक में स्थित हुआ मनुष्य दोनों के फलकारी परमात्मा को पा लेता है। निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी को प्राप्त होने वाला पद ही प्राप्त करता है। सांख्य और योग को एक समझने वाले ही सत्य को देखने वाला है। ये महाभाव, निष्काम कर्मयोग के अभाव में संन्यास योग पाना बड़ा दुष्कर है, लेकिन जिसकी वृत्ति भगवान के स्वरूप में मनन की है, ऐसे कर्मयोगी परब्रह्म को तत्काल पा लेता है। जिसका मन वश में है, जो जितेंद्रिय है और जिसका अंतकरण पवित्र है, सभी जीवों में व्याप्त आत्मा ही जिसके लिए परमात्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्मों को करता हुआ भी उसमें लिपायमान नहीं होता। तत्वज्ञाता ज्ञान योगी को चाहिए कि वह देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आँखों को खोलते हुए, बंद करते हुए, सभी इंद्रियों को अपने अपने कार्य कर रही हैं, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है तथा निरासक्त होकर कर्म करता है, वे पापों से वैसे भी लिपायमान नहीं होता, जैसे जल में रहने पर भी कमल के पत्तों पर जल नहीं दिखता। निष्काम कर्मयोगी ममता रहित होकर इंद्रिय मन बुद्धि व शरीर से निरासक्त होकर केवल अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्मफल का परित्याग कर परमानंद का लाभ प्राप्त करता है, जबकि सकामी मनुष्य कर्मफल में आसक्त होकर बंधता जाता है। जिसका मन अंतकरण वश में है, ऐसा ज्ञानी योगी ना करता हुआ ना करवाता हुआ मन के सभी कर्मों का त्याग करता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में स्थित परमात्मा के स्वरूप में आनंद मग्न रहता है। ईश्वर या परमात्मा प्राणियों के कर्तापन कर्मों कर्म फलों की संरचना नहीं करता, वरन प्रकृति ही बरतती है। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परमात्मा मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करता, वस्तुतः ज्ञान अज्ञान के द्वारा आच्छादित है। इसलिए ज्ञान रहित प्राणी मोहित हो रहे हैं, लेकिन जिसके मन में अज्ञानता आत्मज्ञान द्वारा नष्ट की जा चुकी है, उसका विज्ञान सूर्य सदृश सच्चिदानंदन परमात्मा को उजागर कर देता है। जिसका मन व बुद्धि दोनों ही तद्रूप हो रहे हैं और जिसकी एकमात्र सच्चिदानंदन परमात्मा में ही सतत एक भाव स्थिति है, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष ज्ञान द्वारा निष्पाप होकर परम गति को पाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष विद्या संपन्न विनम्र ब्राह्मण गौ हाथी श्वान चांडाल आदि सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं, वे समदर्शी होते हैं। जो समदर्शी हैं, ऐसे पुरुष इस संसार में जीते जी ही मुक्त हैं, क्योंकि परमात्मा सम व दोष रहित है, इसलिए समदर्शी उस परमात्मा में ही स्थित है। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता तथा अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि निर्संशय मनुष्य एक ही भाव से
सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है ऐसा समझना चाहिए। जिस मनुष्य का मन सांसारिक भोगों के प्रति निरासक्त है, वह ध्यान द्वारा जो आनंद मिलता है उसे प्राप्त करता है तथा एक भाव से परमात्मा चिंतन करता हुआ ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है। इंद्रियों और उसके विषयों के समन्वय से उत्पन्न होने वाले सब भोग कहलाते हैं। विषय पुरुषों को ये सुखद प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में दुख मूलक हैं और अनित्य भी हैं। हे कौन्ते, विवेकवान पुरुष ऐसे भोगों में लिप्त नहीं होते। जिसने मनुष्य शरीर के रहते हुए काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर लिया अर्थात काम क्रोध आदि को जीत लिया, वही संसार में योगी कहलाता है और वही सुखी भी है। जिसने आत्मा का सुख प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा में ही रमण करता है तथा जिसे आत्मा का पूर्ण ज्ञान है, जिसके लिए आत्मा ही ज्ञान है, ऐसे योगी सच्चिदानंदन परमात्मा को एक ही भाव से बचता हुआ शांत स्वरूप ब्रह्म को पाता है। जिसके सभी पापों का शमन हो गया है, ज्ञान के द्वारा जिसके सभी भ्रम टूट गए हैं, जो जीव में के हितैषी हैं, जिसका मन अविचल है तथा जो एकांत भाव से परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, वे ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य अंततः ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। जो काम क्रोध रहित हैं, मन पर जिन्होंने नियंत्रण पा लिया है, परमात्मा का जिन्हें साक्षात्कार हो गया, ऐसे ज्ञानी के लिए सर्वत्र ही शांत स्वरूप परमात्मा का वास है अर्थात उन्हें सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। ब्रह्मी विषयों का चिंतन न करते भारी विषयों का चिंतन न करते हुए प्रकृति के मध्य से दृष्टि को जमा कर नासिका में विचरण करने वाले प्राण में अपान वायु को सम करके जिसने मन बुद्धि इंद्रियों को विजय पा ली है, ऐसे मोक्ष परायण मुनि सदैव ही मुक्त हैं। मुझे भजने वाला मेरा भक्त मुझको तत्त्व यज्ञ तपों का भोक्ता लोकेश्वर प्राणियों का सूत्र प्रेमी जानकर शांति को पाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय अथ षष्ठो अध्याय आत्मसंयम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म फल की कामना न करते हुए भी करणीय कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। केवल अग्नि का परित्याग कर देने वाला ही सन्यासी व योगी नहीं है, वह भी सन्यासी व योगी नहीं है जिसने क्रियाओं का त्याग कर दिया है। अतः हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा गया है उसी को तो योग समझ, कारण कि संकल्पों का परित्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। योगारूढ़ होने के इच्छुक मुनि को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, योग प्राप्ति में ही प्रमुख बात है। योग प्राप्ति होने पर जब संकल्पों का समापन हो जाता है तो संकल्पों का यह समापन या अभाव ही कल्याण का कारण बनता है। जब मनुष्य में किसी भी काल में इंद्रिय भोगों व कर्मों के प्रति आसक्ति का अभाव हो जाता है तब संकल्पों को त्यागने वाला वह मनुष्य योगारूढ़ कहलाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह संसार सागर से अपने कल्याण का उद्धार का यत्न करे, स्वयं का अर्थात निज आत्मा का पतन न करे, कारण कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। जिस जीवात्मा के माध्यम से मन व इंद्रियों सहित शरीर पर विजय पाई है उस जीवात्मा को वह स्वयं ही मित्र है। जिसके माध्यम से मन व इंद्रियों सहित शरीर पर विजय नहीं पाई गई है उसका वह स्वयं ही शत्रु है तथा उसी शत्रु के समान उसे व्यवहार करता है। जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, जो शांत और समाहित है, उसके लिए सर्दी गर्मी सुख दुख अमान अपमान आदि अर्थहीन है। ऐसी स्थितियों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता, उसका मन एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहता है। जो ज्ञान विज्ञान से तुष्ट मन वाला है, जो विकारहीन है, जिसने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर रखा है और जिसके लिए सोना मिट्टी पत्थर सब एक जैसे हैं, ऐसे मनुष्य को योग युक्त कहते हैं। जो मनुष्य सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ दैश्य बंधुगणों धर्मात्माओं पापियों आदि के प्रति एक जैसा व्यवहार रखता है तथा संभाव वाला है वह श्रेष्ठ है। जिसने मन व इंद्रियों सहित शरीर को वशीभूत कर लिया है, जिससे किसी से आशा नहीं है, जो संग्रह करने वाला है, ऐसे योगी पुरुष को एकांत में रहकर आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए अर्थात सतत परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसे पुरुष पवित्र भूमि पर जहाँ कुशामृग छाला वस्त्र बिछे हो, जो ना अति ऊँचा हो ना ही अति नीचा हो, ऐसे आसन को ठीक से रखकर फिर आसन पर बैठकर चित्त में इंद्रिय क्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए मन को एकाग्र करे और मन की पवित्रता के लिए योगा अभ्यास करे, शरीर सिर व ग्रीवा को एक समान व अचल रखे, फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को केंद्रित कर अन्य दिशा आदि में न देखे, ब्रह्म व्रत का पालन करता हुआ निर्भीक शांत मना व योगी मन को स्थिर करके मेरे परायण हो जाए। इस तरह आत्मा को मुझ परमात्मा में लगाता हुआ नियंत्रण मन वाला योगी मुझ में स्थित परमात्मा आनंद की अंतिम परिणति रूपी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग की सिद्धि ऐसे पुरुष को कभी नहीं होती जो बहुत अधिक खाता है, बिल्कुल ही नहीं खाता, जो बहुत अधिक नींद लेता है या अत्यधिक जागता है। योग नाशक इस योग की सिद्धि यथा योग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथेष्ट चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने वाले व जागने वालों की होती है।
योगाभ्यास द्वारा वशीभूत मन जब परमात्मा में रम जाता है तब मनुष्य की सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसे मनुष्य को योगी कहते हैं। योगी के चित्त की स्थिति ठीक वैसी ही कही गई है जैसे स्थिति दीपक के स्थान पर होती है जब वायु का आवागमन नहीं होता। अर्थात वायु रहित स्थान में जिस प्रकार दीपक की लौ स्थिर हो जाती है उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगे योगी की चित्त हो जाती है। योगाभ्यास से वशीभूत चित्त जब स्थिर हो जाती है तो परमात्मा के ध्यान से निर्मल हुई बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ परमानंद में ही संतुष्ट रहता है और स्वयं में ही निमग्न रहता है। आनंद असीम इंद्रातीत व निर्मल सूक्ष्म बुद्धि का ग्रहणीय है। जिस अवस्था में मन आनंद का अनुभव करता है उसी अवस्था में योगी परमात्मा स्वरूप से विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति का लाभ पाकर उससे अधिक अन्य किसी लाभ को वह नहीं मानता। वह योगी परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में रहता है वह घोर कष्ट से भी विचलित नहीं होता। जो दुख रूपी संसार से पृथक है और जिसे योग कहते हैं उसी को जानना चाहिए। उस योग को ना उपताए हुए चित्त से संकल्प पूर्वक करना चाहिए। संकल्प द्वारा उत्पन्न समस्त कामनाओं को पूर्णतः त्याग कर मन द्वारा इंद्रियों को सब तरफ से रोक कर क्रमपूर्वक अभ्यास करता हुआ उपराम हो जाए और मन को आत्मा में लगाकर अन्य किसी का चिंतन न करे। यह अस्थिर और चंचल मन शब्दादि विषय के लिए संसार में विचरता है और सांसारिक पदार्थों में रमता है। उसे उस शब्दादि विषय से हटाकर परमात्मा में लगाए कारण कि जिसका मन पूर्णतः शांत है निष्पाप है जिसका रजोगुण नष्ट हो गया है ऐसे सच्चिदानंदन ब्रह्म से एकीभूत हुए योगी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह वह निष्पाप योगी आत्मा को सतत परमात्मा में निमग्न करता हुआ सुख से परब्रह्म परमात्मा को पाकर असीम आनंद की अनुभूति करता है। योगी पुरुष सर्वव्यापी अनंत और चेतन आत्मा को सभी जीवों में समान रूप से देखता है। इसी तरह सभी जीवों को वह आत्मा में देखता है। जो मनुष्य सभी जीवों में सबकी आत्मा रूपी मुझ वासुदेव को व्याप्त देखता है और सभी जीवों को मुझ वासुदेव में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता ना ही वे मेरे लिए अदृश्य होता है। जो मनुष्य सभी जीवों में व्याप्त मुझ वासुदेव को बचता है उसका जो कुछ भी करना है या नहीं करना वह मेरे ही निमित्त हो जाता है। अर्जुन जो योगी अन्य सभी प्राणियों में भी अपने समान आत्मा को देखता है और सब में सुख दुख को भी सम रूप से देखता है वह योगी अति श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन आपने जो ये ध्यान योग संभाव से कहा है मन के चंचल होने के कारण मैं उसकी स्थिति को स्थिर नहीं देखता कारण कि हे श्री कृष्ण ये मन अति चंचल प्रमथन प्रकृति का दृढ़ व बलिष्ठ था उसको वश में करना उतना ही कठिन है जितना कि वायु को रोकना। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु निश्चय ही मन बड़ा चंचल है वह बड़ी कठिनाई से वश में आने वाला है लेकिन हे कौंतेय अभ्यास में वैराग्य द्वारा ही वश में हो जाता है अतः इसे वश में अवश्य करना चाहिए क्योंकि जिसका मन उसके वश में नहीं है उसे योग की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है ऐसा मेरा मानना है तथा जिसका मन उसके वशीभूत है जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया है उसके द्वारा चेष्टा प्रयास करने से उस योग की प्राप्ति बिना किसी प्रयास के अतः सहज रूप में ही हो जाती है। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण जिसका मन योग से चलामान हो गया है अर्थात योग में तो उसकी पूर्ण श्रद्धा भाव है लेकिन मन पर संयम नहीं है ऐसी स्थिति में उसका यदि अंतकाल में हो तो वह योग सिद्धि को न पाकर कौन सी गति पाता है। माँ बहु ऐसा प्राणी कहीं परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित व निराश्रित होकर छिन्न भिन्न बादल की तरह भ्रष्ट होकर नाश को तो प्राप्त नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण मेरे इस भ्रम को पूर्णता निवारण आप ही कर सकते हैं कारण कि आपके अतिरिक्त संशय निवारण करने वाला मिलना असंभव है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मात है पार्थ ऐसे मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही नाश नहीं होता कारण कि हे तात आत्मा के उद्धार के लिए साधन करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। इस प्रकार योग मार्ग से विचलित मनुष्य स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोकों में सुख भोगता हुआ चिर काल तक वास करता है तथा कालांतर में विद्वानों के घर में मनुष्य देह धारण करता है या फिर ऐसा योगभ्रष्ट मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर योगी जनों के कुल में जन्म लेता है लेकिन ऐसा जन्म पाना संसार में अति दुर्लभ है इसमें कोई संशय नहीं है। ये गुरुनंदन विगत जन्म का योगभ्रष्ट मनुष्य योगी जनों के कुल में जन्म पाकर विगत जन्म में ही किए गए योगाभ्यास के प्रभाव से या संस्कारों के प्रभाव से समत्व बुद्धि योग को पा लेता है तथा इस योग के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति के लिए पूर्वापेक्षा अधिक प्रयास करता है। इस प्रकार वह योगभ्रष्ट मनुष्य योगी जनों के घर में विषयों को भोगता हुआ संस्कार वश भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया है। जो मनुष्य समत्व बुद्धि योग को जानने की भावना रखता है वे वेद सम्मत सकाम कर्मों के फलों को भी लांग जाता है। प्रयास पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी मनुष्य विगत जन्म संस्कार प्रभाव से इसी जन्म में पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। योगी को तपस्वियों व शास्त्रीय ज्ञाताओं से भी श्रेष्ठ कहा गया है वह सकाम कर्मकर्ताओं से भी श्रेष्ठ है। आता है अर्जुन तू योगी बन।
है। जिन योगियों में भी वह योगी जो श्रद्धा युक्त होकर मेरे ही अंश द्वारा सतत मेरा ही भजन करता है, वह मुझे परम प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय अथ सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, अतीव प्रेम से मेरे प्रति आसक्त मन वाला व अति श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर या मेरे आश्रित योग में सन्नत, तू मुझे जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों वाला सबकी आत्मा को निसंशय जानेगा, अब वह मुझसे सुन। मैं तेरे निमित्त उस तत्व ज्ञान को मैं रहस्य में बतलाऊंगा, जिसे जानकर इस संसार में अन्य कुछ भी जानने के लिए बचा नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य मुझे पाने के लिए प्रयास करता है, और ऐसे मनुष्यों में से भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझे तत्त्व जानता है। मेरी प्रकृति 8 भागों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार में विभक्त है। इस तरह 8 भागों में विभक्त मेरी ये प्रकृति जड़ प्रकृति है। हे महाभाव, इससे अन्य चेतन प्रकृति है, जिसके जीव स्वरूपा परा प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति द्वारा ही संसार धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा जान कि संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति इन्हीं दोनों प्रकृतियों से होती है, और मैं संसार का उत्पत्ति करता व प्रलय हूँ, अर्थात संसार का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। संसार की स्थिति वैसे ही है जैसे धागे में पिरोई हुई मणियाँ। जिस तरह एक सूत्र में मणियाँ पिरोई हुई होती हैं, वैसे ही संसार के सभी जीवों में मैं आत्म रूप में रहता हूँ। हे कौंते, में जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रकाश और वेदों में ओंकार। इस तरह आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सभी जीवों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे पार्थ, समस्त जीवों का सनातन बीज, सनातन कारण भी मैं, तो मुझे ही समझ। मैं ही बुद्धिजीवियों की बुद्धि व तेजस्वियों का तेज हूँ। हे वरश्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का निरासक्त व निष्काम बल अथा सामर्थ्य भी मैं ही हूँ, और सभी जीवों में शास्त्रानुकूल काम भी मैं ही हूँ। अन्य भी सत्व, रजो, तम गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सभी मेरे कारण ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा तो समझ। वस्तुतः उनमें मैं और मुझ में वह नहीं है। ये संसार गुणों की कार्य रूप सात्विक राजस तामस भावों से मोहित हो रहा है, इसलिए त्रिगुणों से पृथक मुझ अविनाशी को तत्व नहीं जानता, कारण कि त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुस्तर है। लेकिन जो मनुष्य सतत मेरा ही भजन करते हैं, वह इस माया को पार कर जाते हैं, अर्थात भव सागर से तर जाते हैं। मेरा भजन वही लोग नहीं करते जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, अर्थात जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य की नीच दुष्कर्म वाले मूढ़ हैं। हे वरश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। ये हैं अर्थार्थी, अर्थात भोगों को पाने के लिए भजने वाले, आर्त अर्थात कष्ट निवारणार्थ भजने वाले, जिज्ञासु अर्थात मुझे जानने के अभिलाषी, तथा ज्ञानी अर्थात निष्कामी। उनमें से जो एक भाव और अनन्य प्रेम से नित्य मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी भक्त उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। वैसे तो वह सभी ही उदार हैं, फिर भी ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मानना है। कारण कि स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही भली प्रकार स्थित है। अनेक जन्मों के बाद तत्वज्ञानी मुझे प्राप्त होता है। वासुदेव से अन्यथा कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञानी अति दुर्लभ है। भोग कामना के कारण जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मनुष्य ही प्रकृति की प्रेरणा से लोक प्रतिष्ठित देवताओं का प्रचलित नियमानुसार पूजन करते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस भी देवता के स्वरूप को श्रद्धा भक्त पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता में दृढ़ कर देता हूँ। वह भक्त मनुष्य श्रद्धा भक्त उस देवता का पूजन करता है और मेरे ही विधानानुसार वांछित भोगों को निश्चित रूप से पा लेता है। लेकिन उन अल्पमति फलों का वह प्राप्त फल नष्ट हो जाने वाला है, और अंत में वह उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं जिन्हें वे पूछते हैं। लेकिन मेरे भक्त मुझे किसी भी तरह भजे, अंत में वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर भी लोग मुझे नहीं भजते, क्योंकि वे निर्बुद्धि लोग मुझ अविनाशी और अनुत्तम मन इंद्रियों से परे सच्चिदानंदन को सामान्य मनुष्य की तरह जन्मा हुआ मानते हैं। निज योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने नहीं आता, इसलिए ज्ञानहीन लोग मुझे अविनाशी परमात्मा को जन्मने व मरने वाला ही समझते हैं। अर्जुन, मैं उन सभी जीवों को जानता हूँ जो नष्ट हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, लेकिन श्रद्धा भक्ति रहित कोई भी मुझे नहीं जानता। ये परमतः इसका कारण यह है कि संसार के सभी प्राणी इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से ज्ञानहीन हो रहे हैं। इन सबके लिए उनमें ज्ञान का अभाव है। कामना रहित होकर सदकर्म करने वाले जिन लोगों के पापों का शमन हो चुका है, वह ही राग द्वेष आदि से मुक्त होकर सुदृढ़ भक्ति द्वारा वाली प्रकार मुझे बचते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण करके जरा मृत्यु से मुक्त होने का साधन करते हैं, वही मनुष्य ब्रह्म अध्यात्म व समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं।
जो लोग अंत समय में ये जानते हैं कि अधिभूत अधि अधिदेव अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव के ही रूप हैं, जिसे जैसे भाप बादल धूप बर्फ आदि जल के ही विभिन्न रूप हैं, उसी तरह वासुदेव ही सर्वमय है तथा सब कुछ ही वासुदेवमय है, वही मनुष्य मुझे प्राप्त होते हैं। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय अथाष्टमो अध्याय अक्षय ब्रह्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ बताया उसे अर्जुन समझ नहीं पाया, इसलिए उसने प्रश्न किया कि हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहा गया है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ क्या है और वह शरीर में कैसे है। युक्त चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में आपको कैसे जान लेते हैं, आपका स्मरण करके आपको कैसे प्राप्त होते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि गूढ़ भाषा अर्जुन की समझ में नहीं आई है, अतः स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि परमा अक्षर ब्रह्म है। जीवात्मा को आध्यात्म नाम से जाना जाता है और समस्त जीवों के भाव का उत्पन्न करता जो त्याग है उसी को कर्म कहते हैं। सृष्टि में उत्पन्न व नष्ट होने वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अर्थात जिसे शास्त्रों में ब्रह्मा प्रजापति आदि के नाम से भी जाना जाता है वह अधिदेव है, अर्थात तथा मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है अर्जुन, वह देव मैं वासुदेव ही विष्णु से अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसे मेरे ही स्वरूप की प्राप्ति होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हे कौन्ते, अंत समय में मनुष्य का जैसा भाव होगा उसे शरीर त्यागने के बाद उसी भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब काल में सतत मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस तरह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। ये बात ऐसा नियम है कि परमात्मा ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त अच्छा लायमान चित्त सतत चिंतन करने वाला अर्थात किसी अन्य का चिंतन न करता हुआ मनुष्य परम प्राप्त रूपी दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सर्वज्ञ आदि रहित सर्वनियंता सूक्ष्माति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करता अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूपी रूप अविद्या से बहुत दूर निर्मल सत्य आनंद स्वरूप रूपी परमात्मा का स्मरण करता है, ऐसा भक्त मनुष्य अंत समय में प्राण को योग बल से प्रकृति के मध्य में स्थापित करके अचल मन से दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदज्ञ विद्वान जिसे परम पद को अक्षर कहते हैं, निरासक्त यत्नशील महात्मा लोग जिसमें प्रविष्ट होते हैं, जिस परम पद को पाने की कामना से ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य का व्रत का आचरण करते हैं, उसे परम पद को मैं तेरे निक्षेप संक्षेप में कहूँगा। इंद्रियों के सब द्वारों को बंद करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को हृदय में रोक कर परमा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग में स्थित हो, जो मनुष्य प्रणवाक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण कर उसे अर्थ रूपी मेरा चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य नित्य निरंतर मुझ परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन में स्मरण करता है ऐसे योगी पुरुष को मैं सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसा परम सिद्धि प्राप्त योगी पुरुष मुझे प्राप्त करके दुखों के घर से नाशवान पुनर्जन्म को नहीं पाते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक सहित सभी लोक पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात इसमें जाने के बाद मनुष्य को सुख भोग लेने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है, लेकिन हे कौन्ते, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मैं कालातीत हूँ। जो पुरुष ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युग वाला और एक रात्रि को 1000 चतुर्युग वाली के रूप में जानते हैं ऐसे योगी पुरुष ही काल के तत्व ज्ञाता हैं। योगी पुरुष जानते हैं कि जितने भी चराचर जीव हैं वह ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त ब्रह्मा में ही लय हो जाते हैं। ये पार्थ, वही भूत समुदाय अर्थात जीव उत्पन्न होकर प्रकृति के वशीभूत हो जाता है और फिर रात्रि के प्रवेश काल में लय होकर दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। इस तरह ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मा भी लोक सहित उपराम हो जाते हैं, लेकिन उस अव्यक्त से भी पृथक वह विलक्षण सनातन अव्यय भाव है। वह पूर्ण ब्रह्म सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर नाम वाला कहा गया है उसी को परम गति कहा जाता है और जिस सनातन अव्यक्त भाव को पा लेने पर मनुष्य का संसार में जन्म नहीं होता वही मेरा परम धाम कहलाता है। हे प्रथा पुत्र पार्थ, जिस परमेश्वर के आश्रय से सारे प्राणी हैं और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से ये संसार परिव्याप्त है वह सनातन अव्यक्त पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त है। हे वरश्रेष्ठ, जिस काल में देह त्याग कर योगी ना लौटने वाली गति को और जिस काल में यह योगी लौटने वाली गति को पाते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझे बतलाऊंगा।
जिस मार्ग का ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरणोपरांत गए ब्रह्म विधियोगी इन देवताओं के माध्यम से ब्रह्म को पाते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस मार्ग का धूम अभिमानी देवता है, रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता है, उस मार्ग से मरणोपरांत गए सकाम कर्मयोगी इन देवताओं के माध्यम से चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों को फल भोगते हैं, और जब पुण्य कम हो जाते हैं तो उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। संसार के ये दोनों मार्ग शुक्ल देवयान व कृष्ण पितृयान सनातन कहलाते हैं। इन मार्गों में से एक मार्ग में गए हुए जीव को लौटना नहीं पड़ता, वह परम गति मोक्ष को पाता है, तथा दूसरे मार्ग अर्थात कृष्ण मार्ग या पितृयान मार्ग से गए जीव को पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। हे पार्थ, इस तरह दोनों मार्गों को तत्त्व जान लेना योगी जन मोहित नहीं हुआ करते। अतः हे अर्जुन, तू मुझे प्राप्त करने के लिए सतत साधन करने वाला बन। योगी पुरुष इस मर्म को तत्त्व जानकर वेदा अध्ययन यज्ञ तप दान आदि में जो पुण्य फल प्राप्त होता है उन सबको निश्चय ही लांग जाता है और सनातन परम पद को पाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमो अध्याय अथ नवमो अध्याय राज विद्या राजगुह योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि से रहित मेरा भक्त है, अतः इस विज्ञान में गूढ़ ज्ञान को पुनः वली प्रकार से मैं तुझे समझाऊंगा। इस ज्ञान को जानकर तू दुख और अशुभ रूपी संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। विज्ञान में ये ज्ञान सभी विद्याओं रहस्यों का राजा परम पावन अति उत्तम प्रत्यक्ष फलदायी धर्ममय सुगम साधनीय और नाश रहित अर्थात अक्षुण्य है। ये परमतप तत्व ज्ञान रूपी इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को मेरी प्राप्ति नहीं होती। वह मरणशील संसार चक्र में घूमते रहते हैं। ये संसार मुझ परमात्मा में वैसे ही परिव्याप्त है जैसे हिम में जल। सभी जीवों की स्थिति का आधार मेरा संकल्प मात्र है, लेकिन वस्तुतः मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। और वह मुझमें स्थित नहीं है, लेकिन मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि जीवों की धारण और पोषण करने वाला, उन्हें उत्पन्न करने वाला मेरी आत्मा भी वस्तुतः जीवों में नहीं है। जिस प्रकार आकाश द्वारा उत्पन्न वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार मेरे संकल्प से उत्पन्न सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं। तो ऐसा जान, हे कौन्ते, कल्पांत में सभी चराचर जीव मेरी प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, तथा कल्प के प्रारंभ में पुनः मैं उनकी रचना करता हूँ। मैं निज प्रकृति को स्वीकार कर स्वभाव के बल पर पराधीन हुए सभी जीवों की उनमें उनकी कर्मानुसार सृष्टि करता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों के प्रति निरासक्त व उदासीन के समान अव्यवस्थित मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं मानते। हे कौन्ते, मेरी प्रकृति मेरे ही सहारे से संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है, इसलिए इस जगत आवागमन रूपी चक्र में भ्रमता रहता है। मेरा परम भाव को मूढ़जन नहीं जानते, वह मुझे मानव देह धारण करने वाले सामान्य मनुष्यों की तरह जानता है, जबकि मैं संसार के कल्याण के लिए मानव देह धारण करता हूँ। अर्थहीन आशा, अर्थहीन कर्म और अर्थहीन ज्ञान वाले वे मूढ़जन जिन्हें ज्ञान नहीं है, राक्षसी आसुरी व मोहिनी तामसी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। लेकिन एक कौन्तेय जो देवी प्रकृति वाले हैं, वे मुझे ही सभी जीवों का सनातन कारण व अक्षुण्य अक्षर रूप मानकर एकाग्र मन से निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चयी भक्त सतत मेरे ही नाम व गुणों का संकीर्तन करते हुए मुझे पाने का यत्न करते हैं, तथा मुझे बारंबार प्रणाम कर सदैव मेरी ही उपासना करते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म मानकर ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन कर मेरी उपासना करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेवक स्वामी भाव से मेरी उपासना करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे हैं जो नाना प्रकार से मुझ विराट रूप की उपासना करते हैं। कारण कि कृतु मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मन जिनसे देवताओं का स्तवन किया जाता है, घी अग्नि हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। संसार का धारण पोषण करता, कर्म फलदाता, पिता माता पितामह भी मैं ही हूँ। ये अर्थात जानने योग्य पावन ओंकार अर्थात एकाक्षर ब्रह्म और समस्त वेदों का मूल ऋग साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त परम धाम भरण पोषण करता, सबका स्वामी, शुभा शुभ का दृष्टा, सबका वास स्थल, शरण ग्रहण करने योग्य, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय करने वाला, सर्वाधार निधार निधान तथा अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सूर्य रूप में मैं ही तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करके मैं ही वर्षा करता हूँ, अमृत मृत्यु और सत असत अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। हे वेद प्रतिपादित सकाम कर्मों के कर्ता, सोमपान करता, निष्पाप पुरुष, यज्ञों द्वारा मेरा पूजन कर स्वर्ग की कामना करने वाले लोग, निज
पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग लोगों को पार कर दिव्य देवताओं का भोग भोगते हैं। विस्तृत स्वर्गलोक के दुखों को भोग कर पुण्य कर्मों में क्षय होने पर वह पुनः मृत्यु लोक में जन्मते हैं। इस प्रकार वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले भोगिच्छु लोग बारंबार आवागमन के चक्र में पड़ते हैं। फिर अनन्य भक्त प्रेमी मुझ परमात्मा का सतत चिंतन करते हुए कामना रहित होकर मेरा ही भजन करते हैं। ऐसे मुझ में एकाग्र भाव वाले लोगों को योग व क्षेम मैं स्वयं ही प्राप्त करा देता हूँ। एकांत्य फल प्राप्ति की कामना से जो लोग श्रद्धा भाव से अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वह भी यथार्थ में मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का वह पूजन अज्ञानतापूर्ण है। कारण कि सभी यज्ञों का भोग करने वाला वह अधिपति तो मैं ही हूँ, लेकिन वह लोग अधियज्ञ रूपी मुझ परमात्मा को तत्व तो नहीं जानते, इसलिए बार बार वह जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहते हैं। इसका कारण यह है कि जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को तथा मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अतः मेरे भक्तों को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, मेरी पूजा सुगम है, क्योंकि जो भक्त मुझे श्रद्धा भाव से पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है उस निर्मल बुद्धि और निष्काम भक्त द्वारा मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित सामग्री को मैं प्रेम पूर्वक ही स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए हे कौंते, जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो हवन आदि करता है, दान करता है, जो तप करता है, सब कुछ मुझे ही अर्पण कर दे। इस प्रकार सर्व कर्मों को मुझे अर्पित करके संन्यास योग बुद्धि वाला तू शुभाशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में संभाव से व्याप्त हूँ, ना कोई मुझे मेरा प्रिय शत्रु है, ना ही प्रिय मित्र है, लेकिन जो भक्त मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं वही मुझ में है और मैं उनके अंतकरण में प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। हे अर्जुन, यदि कोई महादुराचार्य अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही समझना, क्योंकि उसने भली भांति जान लिया है कि परमात्मा के भजन जैसा अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा वह मनुष्य शीघ्र ही धर्म बुद्धि वाला हो जाता है और चिर शांति को पाता है। हे कौंते, तू ये सत्य जान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कारण कि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र पापी योनि वाले अर्थात चांडाल आदि भी यदि मेरे शरणागत हो जाएं तो वह भी परम सती को पा लेते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण राजऋषि आदि भक्त परम गति को पा जाते हैं अर्थात मोक्ष को पा जाते हैं। इसमें कहने सुनने की बात ही क्या है। अर्थात हे अर्जुन, तू दुखमय विनाशमान इस मानव देह को पाकर निरंतर मेरा ही भजन कर। तू मुझे सत्य आनंद समूह में मन लगाने वाला मेरा भक्त बन और मेरे ही पूजन करके मुझे प्रणाम कर। इस तरह आत्मा को मुझ में संलग्न कर, मेरे ही परायण कर, इससे तू मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता सोपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुहु योगो नाम नवमो अध्याय अर्थात दशमो अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभाव, तद्यपि तू मेरे अति गुढ़ और प्रभावपूर्ण वचन को सुन जो मैं तेरे हित के लिए कहूँगा, क्योंकि तेरे मेरे प्रति गहन प्रेम है। मेरे उत्पन्न होने के बारे में ना तो देवता लोग ही जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही, कारण कि मैं उन देवताओं व महर्षि गणों का भी आदि कारण हूँ। अर्थात मेरी उनकी उत्पत्ति भी मुझसे ही होती है। जो मनुष्य मुझे जन्म रहित अनादि और तत्व लोगों का महाईश्वर अर्थात स्वामी जानता है, ऐसे मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष सभी पापों से विमुक्त हो जाता है अर्थात सारे पापों का जिनका उनका शमन हो जाता है। निश्चय शक्ति तत्व ज्ञान विमूढ़ता क्षमा सत्य इंद्रियों को वशीभूत करना मनोनिग्रह सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय आदि अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति आदि मनुष्यों के जो भी विविध भाव हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सात महर्षिगण उनसे भी पूर्व सनकादि चार मुनि व स्वंभव आदि 14 मनु भी मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनका भाव श्रद्धा मेरे ही प्रति है अर्थात जिनकी प्रजा ये सारा संसार है। जो मनुष्य मेरे इस परम ऐश्वर्यमयी विभूति व योग शक्ति को तत्व जानता है वह अचल भक्ति योग वाला हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं वासुदेव इस सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ तथा संसार की जितनी भी चेष्टाएँ वह मुझसे ही हैं, ऐसा जानने वाले बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। अनवरत मुझ में मन लगाने वाला जीवन को मुझ में ही अर्पण करने वाला भक्त मेरी भक्ति की चर्चा करते हुए परस्पर मेरे ही प्रभाव को जानते हुए गुण प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं तथा मुझ वासुदेव में ही सतत रमण करते हैं। सतत मेरा ही ध्यान स्मरण करने वाले प्रीतिपूर्वक मुझे ही भजने वाले ऐसे भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूपी योग की उपलब्धि कराता हूँ जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन पर कृपा करने के उद्देश्य से मैं स्वयं ही उनके अंतकरण में स्थित होकर अज्ञानतावश उत्पन्न होकर होने वाला अंधकार को प्रकाश में ज्ञान तत्व रूपी दीपक को नष्ट कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि
भगवान आप परब्रह्म परम भाव परम धाम परम पावन शाश्वत दिव्य आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी हैं, ऐसा ऋषिगण कहते हैं। देवऋषि नारद असित देवल आदि ऋषि महर्षि वेदव्यास स्वयं आप ही मुझे ऐसा बतलाते हैं। हे केशव, आपने ही जो कुछ भी कहा है वह मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में रूप को ना तो दानव आदि जानते हैं ना ही देवता आदि। भूतों की उत्पत्ति करता हे भूतेश, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही स्वयं से स्वयं को जानते हैं। अतः आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को पुण्यता कहने में सक्षम हैं जिसके द्वारा आप समस्त लोगों को परिव्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस तरह सतत चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन विभिन्न भावों में मेरे द्वारा चिंतनीय है, अर्थात मैं उन किन किन भावों से आपको भजूँ। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति विभूति को पुनः विस्तार देकर समझाइए, क्योंकि आपकी अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मेरी जो विभूतियाँ हैं उन्हें तेरे निमित्त अब मैं प्रमुखता से कहूँगा, कारण कि मेरा विस्तार अनंत है, मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के हृदयस्थ जो आत्मा है वह मैं ही हूँ, और सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु अर्थात वामन अवतार, योतियों में रश्मि वान सूर्य हूँ अर्थात, और 49 वायु देवताओं में मैं मरीचि नाम वाला वायुदेव हूँ तथा नक्षत्रों में नक्षत्राधिपति चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन तथा सभी प्राणियों में चेतना हूँ अर्थात जीवों की जीवन शक्ति हूँ। 11 रुद्रों में मैं शिव अर्थात शंकर हूँ। यक्ष व राक्षसों असुरों में मैं धनपति कुबेर हूँ। 8 वसियों में मैं अग्नि और शिखर युक्त, पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में तू मुझे अर्थात देव पुरोहित बृहस्पति समझ, सेना नायकों में मैं स्कंद हूँ अर्थात स्वामी कार्तिकेय हूँ, तथा जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। इस तरह महर्षियों में भृगु, शब्दों में एकाक्षर ओम हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय पर्वत हूँ, सभी प्रकार के वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, हाथियों में एरावत, और मानवों में तो मुझे राजा समझ। शास्त्रों में मैं वज्र, गांवों में मैं कामधेनु तथा शास्त्र विधि के अनुसार संतानोत्पत्ति का कारक कामदेव हूँ। सर्पों में मैं वासुकी नाम का सर्प हूँ। नागों में मैं शेष नाग हूँ। जल के जीवों का स्वामी वरुण देव मैं ही हूँ। इस तरह पितरों में अय्यरमा पितर, शासकों में यम भी मैं ही हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। गणना करने वालों में मैं समय हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र कर्ताओं में मैं वायु हूँ। शास्त्र धारकों में मैं राम हूँ। मछलियों में मैं मगरमुच्छ हूँ तथा नदियों में मैं भागीरथी अर्थात गंगा हूँ। ये अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या तथा परस्पर विवाद करने वालों के निर्णयों में किए जाने वाला वाद विवाद भी मैं ही हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। काल का भी काल अर्थात महाकाल भी मैं ही हूँ। विराट स्वरूप और सबका धारण पोषण करता भी मैं ही हूँ। सबका नाश कर देने वाली मृत्यु भी मैं ही हूँ। भविष्य में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति व क्षमा हूँ। गाने योग्य श्रुतियों में मैं मृत साम व छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष मास, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु मैं ही हूँ। छलियों में जुआ, प्रभावी पुरुषों का प्रभाव, विजेताओं की विजय, निर्णायकों का निर्णय, सात्विक लोगों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। वर्षणी वंशियों में अर्थात यादवों की एक जो जाति है उसमें वासुदेव, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू मुझ, और मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दमनकर्ताओं का दंड अर्थात दमन शक्ति, विजयाकांक्षी जनों की नीति, गोपनीय भावों का रक्षक, और ज्ञानियों का तत्वज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जिस कारण से जीवों की उत्पत्ति होती है वे कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चराचर जितने भी जीव हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे अछूता हो, अर्थात मैं सभी जीवों में वास करता हूँ। हे परम तप, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, इसकी गणना असंभव है। मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए ही सार रूप में कहा है। जो जो भी वस्तु ऐश्वर्य वाली है, कांति वाली है, शक्ति वाली है, उस वस्तु को तू मेरे ही अंश वाला समझ। अथवा ये अर्जुन, और अधिक जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? सारे संसार को तू को मैं अपनी योग माया से मात्र एक अंश से धारण किए हुए हूँ, अर्थात तत्त्व मुझे ही जान लेना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्याय अथ एकादशो अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान,
मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो गूढ़ आध्यात्म का उपदेश मुझे दिया है उससे मेरा भ्रम का निवारण हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपके मुखारविंद से सृष्टि के समस्त चराचर जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि के बारे में विस्तार से जाना और आपके अविनाशी रूप की महिमा को भी सुना है। हे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जैसा कहा है वह ठीक है, लेकिन हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस दिव्य ऐश्वर्य युक्त रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आपकी दृष्टि में मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करने में सक्षम हूँ तो आप मुझे उस स्वरूप के दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, अब तू मेरे नाना प्रकार के सैकड़ों हजारों और नाना कर्म और आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तू मुझ में आदित्यों के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख। इसके अतिरिक्त उन आश्चर्यपूर्ण रूपों को भी देख जिन्हें तूने पहले कभी न देखा हो। हे गुडाकेश, अर्थात ये संबोधन अर्जुन को निद्रा पर विजय पाने के लिए श्री कृष्ण दिया करते थे। अब तो इस शरीर में एक स्थान पर एकत्र चराचर संपूर्ण संसार को देख और अन्य जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब देख, लेकिन तू मुझे इन चर्म चक्षुओं को से देखने में सक्षम नहीं है। अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उन चक्षुओं द्वारा तू मेरी ईश्वरीय माया को देख। धृतराष्ट्र को इतना सब सुनाने के बाद संजय ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर पापों के हरण करने वाले भगवान हरि ने प्रता के पुत्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए अपने ऐश्वर्यमय अलौकिक स्वरूप के दर्शन कराए। उस अनेक मुख नेत्रों वाले नाना अद्भुत दर्शनों वाले अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त और अनेक दिव्य अस्त्रों से को हाथों में लिए हुए दिव्य माला व वस्त्रों को धारण किए दिव्य गंध की देह में अनुलुप्त किए हुए सर्वाश्रयों से युक्त असीम दे सर्वाभिमुखी विराट रूप भगवान के अर्जुन ने दर्शन किए। भगवान का यह विराट स्वरूप इतना प्रकाशमान था कि हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर भी जो प्रकाश हो वह भी उस तेज के जैसा संभवता ना हो। ऐसा विस्मयकारी स्वरूप को देखते हुए पांडव पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उस विराट शरीर में विभक्त जगत को एक ही स्थान पर देखा। तत्पश्चात आश्चर्यचकित पुलकित देह वाला होकर अर्जुन तेजोमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए करबद्ध होकर बोले, हे देव, मैं आपके इस विशाल शरीर में सभी देवताओं, नाना जीव समूहों, कमला आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, सभी महर्षियों और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे सृष्टि के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथों, पैरों, मुखों, नेत्रों वाला, अनेक रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके अंत, मध्य, आदि, प्रारंभ को नहीं देखता। मैं आपके मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए तथा सब तरफ से प्रकाश, तेज, पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य समान ज्योति युक्त, कठिनाई से देखे जाने वाले और सब ओर से असीम स्वरूप को देखता हूँ। हे प्रभु, आपके आप जानने योग्य परमाक्षर अर्थात परब्रह्म है। संसार आपके आश्रय से ही है। अनादि धर्म के आप ही रक्षक हैं तथा आप ही विनष्ट न होने वाले सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। कि प्रभु, मैं आपको आदि, मध्य, अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य वाला, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला, अपने ही तेज से संसार को तपाने वाले के रूप में देखता हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का सारा आकाश, सभी दिशाएँ एकमात्र आप ही से परिव्याप्त हैं। आपके दिव्य और भयप्रद स्वरूप को देखकर तीनों लोक संतप्त हो रहे हैं। हे भगवान, देव समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम में गुणों को गाते हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा कहकर श्रेष्ठ स्रोतों से आपका स्तवन करते हैं। हे परमात्मनम, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरदगण, पितरों का समूह, संदर्भ, यक्ष, राक्षस, सिद्धादि, इसमें से आश्चर्य से आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपने अनेक मुखों, अनेक नेत्रों, अनेक हाथों, जंघाओं, पैरों, उदरों, अनेक दाढ़ों वाले विकराल स्वरूप को देखकर सभी व्याकुल हो रहे हैं और साथ में मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को छूने वाले दीप्तिमान, नाना वर्णों से युक्त, विस्तृत फैले मुख, प्रकाशित विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा धैर्य छूट रहा है और मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। आपके विकट दाढ़ों, प्रलयाग्नि में की भांति प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है तथा मैं सुखी नहीं हूँ। अतः ये देव स्वामी है जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, राजाओं सहित आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं सहित सभी त्राणों के कारण विकराल आपके भीष्म मुखों में बड़ी तीव्रता से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई अन्य चूर्ण हुए आप अपने सिरों सहित आपके दांतों के मध्य लगे दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों का जल प्रवाह स्वभावता मनुष्यों स्वभावता समुद्र की ओर दौड़ते हुए उसमें विलीन हो जाते हैं,
उसी प्रकार नर्क लोक के वीर लोग भी आप में प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह पतंगे मोह के कारण प्रज्वलित अग्नि में तीव्र वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, उसी तरह ये सब भी आप अपने विनाश के हेतु आपके मुख में तीव्र वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी लोगों को प्रज्वलित मुखों में ग्रसते हुए सब ओर से बारंबार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका विष्णु प्रकाश सारे जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रहा है। हे भगवान, कृपा करके बतलाइए कि उग्र स्वरूप वाले आप कौन हैं। हे देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। हे आदिपुरुष, मैं आपको तत्त्व जानने का इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति से अनभिज्ञ हूँ। अर्जुन ने जब इस तरह प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं लोकनाशक वृद्धि का प्राप्त महाकाल हूँ, और इस समय इन लोगों का नाश करने के लिए ही मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः विपक्ष की सेना में जो योद्धा गण हैं, वे सभी तेरे द्वारा युद्ध न करने पर क्या बचे रहेंगे? अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश अवश्य ही होगा। इसलिए तू उठ और यश कीर्ति को प्राप्त कर तथा शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य का सुख भोग। ये सभी योद्धा तो तुझसे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तू तो निमित्त मात्र बन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि योद्धाओं का तो वध कर, भयभीत न हो तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाएगा, अथा युद्ध कर। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान केशव के ऐसे वचन सुनकर मुकुट धारण किए हुए अर्जुन ने करवध होकर कांपते हुए नमस्कार किया, फिर भयभीत होकर प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोले। अर्जुन ने कहा कि हे अंतर्यामिन, आपके कीर्तन के प्रभाव से संसार हर्ष और प्रेम भाव को प्राप्त हो रहा है। भय से राक्षादि दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धजन नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा क्यों ना हो हे महात्मन, आप ब्रह्मा के भी आधिकारक होने से सबसे बड़े जो हैं। ये अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत असत और उससे भी पृथक अक्षर आप ही तो हैं। ये भगवान आदिदेव और सनातन पुरुष भी आप ही हैं। ये संसार आपके ही आश्रय से है और आप ही जानने वाले और जानने योग्य परम धाप हैं। हे अनंत रूप, ये संसार आप ही से परिव्याप्त है। हे भगवान, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा के पिता भी आप ही हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है आपके लिए, तथापि बारंबार नमस्कार है। हे असीम बल वाले देव, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सबके आत्मा, आपको सब ओर से नमस्कार है, कारण कि आप अनंत पराक्रम वाले हैं और सारा संसार आप ही से व्याप्त है, अथा आप ही से सब कुछ है। हे भगवान, आपके प्रभाव को न जानते हुए तथा सखा मानकर मैंने आपको प्रेम या प्रमाद से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी ऐसा बिना सोचे समझे ही कहा है। हे अच्युत, मेरे द्वारा विनोदार्थ विचार विहार शैया आसन भोजन आदि के समय या सखाओं के सामने भी आपका जो अपराध हुआ है, हे अचिंत्य प्रभाव वाले, आप मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा कर दें। हे भगवान, आप इस चराचर जगत के पिता व गुरु से बढ़कर गुरु तथा अति पूजनीय हैं। हे पर्थ, हे अप्रतिम प्रभाव वाले, आपके समान अन्य कोई भी नहीं है, फिर आपसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए प्रभु, मैं आपके चरणों में झुककर प्रणाम करते हुए आपसे प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता मित्र पति की तरह आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दें। ये प्रभु, आपके विस्मयकारी रूप को मैंने नहीं देखा था, मैं उसे देखकर हर्षित हूँ, साथ ही साथ मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होकर अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए। हे भगवान, मैं आपको मुकुट पहने गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखने का इच्छुक हूँ। अतः विश्वमूर्ति, हे सहस्त्रबाहु, आप चतुर्भुज रूप के दर्शन में प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू उस पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से अपना तेज पूर्ण सबका आदि अंत रहित विराट रूप तुझे दिखलाया है, जिसे तुझसे पूर्व किसी ने भी नहीं देखा। हे गुरु श्रेष्ठ, तूने जिस प्रकार विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं, उसके दर्शन इस मनुष्य लोक में तेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी वेद, स्वाध्याय, दान, कठोर तपा आदि करके भी नहीं कर सकता। इस तरह के मेरे विकट रूप को देखकर तू ना तो व्यग्र हो, ना ही मूढ़ भाव को प्राप्त हो, तो निर्भीक होकर प्रेम पूर्वक मेरे शंख, चक्र, गदा, वदम धारण किए चतुर्भुज रूप के ही पुनः दर्शन कर। तदुपरांत संजय बोले कि हे राजन, भगवान वासुदेव ने अर्जुन के से ऐसा कहकर उसे पुनः अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर उसको भयभीत हुए अर्जुन को सौम्य स्वरूप से धैर्य धारण कराया। भगवान वासुदेव के सौम्य स्वरूप के दर्शन करके अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके शांत स्वरूप को देख लेने के बाद मेरा मन स्थिर हो गया तथा मैं अपनी प्रकृति में अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे जिस सौम्य चतुर्भुज रूप के तूने दर्शन किए हैं, ये बड़ा ही दुर्लभ है। देवता आदि भी मेरे स्वरूप के दर्शन की नित्य ही कामना करते हैं, लेकिन वह भी मेरे स्वरूप को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, जिस प्रकार तूने मुझे देखा है, वैसा मेरा चतुर्भुज रूप वेदा अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि के द्वारा देखने में न आने वाला है। अर्थात इन सब साधनों से भी मेरे चतुर्भुज रूप के किसी को दर्शन नहीं हो सकते।
अतः ये परम तप अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप इस लोक में अनंत भक्ति तत्व ज्ञान एकाग्र भाव से भजन करने वाले को वाले ही देख सकते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों को मेरे निमित्त ही करता है, जो मेरे परायण है, अर्थात ऐसा एकमात्र मेरा ही आश्रय है जिसे, और जो मुझे ही परम गति मानकर मुझे पाने के लिए तत्पर रहता है, जो निरासक्त सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव रखने वाला है, ऐसा भक्त मनुष्य अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय अर्थात द्वादशो अध्याय भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो वह भक्तजन जो पूर्व कथित रीति से सतत आपका भजन ध्यान करते हुए आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, तथा वह भक्तजन जो आपको अक्षर ब्रह्म अर्थात निराकार रूप से भजने वाले हैं, ऐसे आपके भक्तों में श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है? अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो भक्त अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाकर श्रद्धा भाव से मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, उन्हें मैं योगियों में श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। जो लोग मन बुद्धि से पृथक सर्वव्यापी अकथनीय सदैव सम रखने समभाव रहने वाले नित्य अचल निराकार विनाश रहित मुझ सत्य और आनंद स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, इंद्रियों को संयमित करके जो सभी जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं और सबको समबुद्धि से देखते हैं, ऐसे योगी पुरुष अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन सत्य स्वरूप आनंद के समूह निराकार परब्रह्म के प्रति आसक्त बुद्धि वाले मनुष्यों को साधन में विशेष श्रम करना पड़ता है, कारण कि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति अर्थात अव्यक्त की साधना बड़ी कठिनाई से प्राप्त की जाती है। तथापि जो मनुष्य मेरे परायण रहकर अर्थात मेरे प्रति आश्रित रहकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरे सगुण रूप की पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सतत चिंतन करते हुए उपासना करते हैं या बचते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगाने वाले मेरे उन प्रेमी भक्तों को मैं मृत्यु रूपी भव सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। अतः हे अर्जुन, तू मन और बुद्धि से मुझ में ही लगा, ऐसा करने पर तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे धनंजय, यदि तू चित्त को मुझ में एकाग्र करने में सक्षम नहीं है तो अभ्यास योग से मुझे पाने की कामना कर, अर्थात ईश्वर के नाम गुण श्रवण कीर्तन मनन श्वास द्वारा जप शास्त्रों के अध्ययन से मुझे पाने की कामना कर। यदि तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो सारे कर्म मेरे निमित्त ही करने वाला बन, अर्थात मेरे परायण मेरे आश्रित हो जा, इस प्रकार तो मुझे ही प्राप्त होगा। यदि तू ऐसा भी करने में सक्षम नहीं है तो मन और बुद्धि को जीत कर मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित हो सभी कर्मों के फलों को मेरे निमित्त त्याग कर, कारण कि मर्म को जानकर अभ्यास करने से श्रेष्ठ ज्ञान है, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा का ध्यान करना है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग है, क्योंकि त्याग करने से परम शांति की शीघ्र प्राप्ति होती है। ऐसा शांत योगी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, वह सब में निस्वार्थ प्रेम करने वाला दयालु ममता और अहंकार से रहित सुख और दुख की प्राप्ति में समबुद्धि अपराधियों को भी क्षमा दान करने वाला होता है। जो योगी लाभ हानि में संतुष्ट रहता है, जिसने मन सहित सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो मेरे प्रति दृढ़ निश्चयी है, ऐसा मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाला मेरा भक्त मुझे ही प्रिय है, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्षमर्ष भय उद्वेगा आदि से बिल्कुल रहित है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जिसकी कोई भी आकांक्षा नहीं, भीतर बाहर से शुद्ध चतुर पक्षपात रहित और दुखों से मुक्त कर्तापन के भाव से रहित, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जो ना तो हर्षमग्न होता है, ना ही किसी से द्वेष करता है, ना ही शोक सामना आदि करता है, तथा जो शुभ अशुभ सभी कर्मों को त्याग चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, जिसके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, जो मान अपमान का विचार नहीं करता, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सभी स्थितियों में समबुद्धि रखता है, तथा सांसारिकता में जिसकी आसक्ति नहीं है, जो निंदा और प्रशंसा को भी समान मानता है, सतत परमात्मा के स्वरूप का ही चिंतन करता है, शरीर का जैसे भी निर्वाह हो उसी में संतुष्ट रहता है, तथा रहने के स्थल के प्रति मोहासक्त नहीं होता है, ऐसा अचल बुद्धि भक्त मुझे प्रिय है, जो एकमात्र मुझ में ही परम आश्रय परम गति सबका आनंद सबके पृथक परम पूजनीय समझकर शुद्ध प्रेम भाव से मुझे पाने के लिए तत्पर श्रद्धावान मनुष्य धर्म में अमृत का सेवन करता है, ऐसा भक्त मुझे विशेषकर प्रिय है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय अथ त्रयोदशो अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसा उनके तत्व के ज्ञाता ज्ञानी जनों का कहना है। हे भरतवर्षी अर्जुन, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को तत्व जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा कहना है।
अर्थात वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला है और जिस कारण से है, और वह क्षेत्रज्ञ भी जो है जैसा है जिस प्रभाव वाला है, वह तुम मुझसे सार रूप में सुन। ऋषिजनों ने इसे अनेक तरह से अनेक मंत्रों द्वारा विविध रूप में कहा है। इसका तत्व भली प्रकार से निर्णय करके युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा भी कहा गया है। अर्जुन सुन, पांच महाभूत पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति त्रिगुणमयी माया, 10 इंद्रियां त्वचा क्षोत्र नेत्र जीवा प्राण वाणी हाथ पैर उपस्थ गुदा, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह पिंड चेतना धृति आदि विकारों वाला यह क्षेत्र शरीर कहा गया है। अभिमान का न होना, दंभ का अभाव, किसी को न सताना, क्षमा भाव, मन व वाणी की सहजता, गुरु सेवा का भाव, भीतर भार की पवित्रता, अंतकरण की स्थिरता, मन व इंद्रियों का संयम, यह लोक व परलोक के भोग आदि में आसक्ति न होना, अहंकार न होना, जन्म मरण व रोग आदि में दुख व दोष आदि में बारंबार चिंतन करना, स्त्री पुत्र घर धन में आसक्ति न होना, ममता न होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सम होना, मुझ में एक ही भाव से स्थित होकर ध्यान कर द्वारा अभिचारणीय भक्ति, एकांत पर पवित्र स्थान में रहने की प्रकृति अर्थात स्वभाव होना, विषयासक्त लोगों से दूर रहना, आध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ रूपी परमात्मा को सर्वव्यापी देखना आदि सब ज्ञान है, और इस ज्ञान से जो विपरीत है वह सब अज्ञान है ऐसा कहा गया है। जो ज्ञेय है था जिसे जानना ही चाहिए और जिसे जानकर मनुष्य परम सुख प्राप्त करता है, अब मैं भली प्रकार से कहूँगा, अनादि परब्रह्म ना तो सत है और ना ही असत ऐसा कहा गया है। वे अनादि सब ओर से हाथों पैरों वाला, सब ओर से नेत्रों सिरों मुखों वाला और सब ओर से कानों वाला है, कारण कि वह परब्रह्म ही सारे संसार को पूर्णता व्याप्त करके स्थित है। वे इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता होकर भी इंद्रिया रहित है, निरासक्त होकर भी सबका धारण पोषण करता और निर्गुण होकर भी गुणों का भोगता है। वह चराचर जीवों के भीतर भी है, बाहर भी है, तथा वह स्वयं चर अचर रूप भी है। वह सूक्ष्म होने के कारण जानने में न आने वाला है और अति निकट भी है क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है। वह परब्रह्म दूर भी है क्योंकि अज्ञानियों और श्रद्धालु लोगों की पहुँच से वह दूर है। वह परब्रह्म अविभक्त रूप से आकाश की भांति परिपूर्ण होने पर भी चराचर जीवों में अलग अलग स्थित सा लगता है। वह ज्ञेय परब्रह्म विष्णु रूप से जीवों का धारण पोषण करता, रुद्र रूप से संहारक, वह ब्रह्म रूप से उत्पत्ति करता है। वह ज्योतियों की भी ज्योति है, माया से अति दूर है ऐसा कहा गया है। वह परब्रह्म ज्ञान रूप ज्ञेय तत्व ज्ञान से प्राप्य है तथा सबके हृदय में विशेष कर स्थित रहता है। इस कारण ही अर्जुन, मैंने क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय परमात्मा स्वरूप को सार रूप में कहा है। इसे तत्व जानकर मेरा भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, प्रकृति व पुरुष को तो अनादि जान, इसके अतिरिक्त राग द्वेषादि विकारों और त्रिगुणों से परिव्याप्त सभी पदार्थों को तो प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। कार्य अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी शब्द रूप रस स्पर्श गंध तथा करण अर्थात बुद्धि अहंकार मन श्रोत्र त्वचा रसना घ्राण नेत्र वाक पाद हस्त उपस्थ गुदा आदि उत्पन्न करने वाली प्रकृति कहलाती है तथा जीवात्मा सुख दुख आदि को भोगने वाला है। लेकिन प्रकृति में स्थित पुरुष त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोगता है और इसमें इन गुणों के संग के कारण ही जीवात्मा को भली बुरी योनि और तमोगुण से पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है और उन्हीं में जन्म लेना पड़ता है। प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा की वस्तुतः परमात्मा है। वह कर्मों का साक्षी होने से उपदृष्टा व यथार्थवत बताने वाला होने से हनुमंता, सबका पोषण करता होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का अधिपति होने से महेश्वर व शुद्ध सत्य आनंद समूह होने से परमात्मा है ऐसा कहा गया है। इस तरह गुणों के साथ प्रकृति और निर्गुण पुरुष को तत्त्व जानने वाला मनुष्य सब तरह से कर्तव्य कर्मों को करता हुआ पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। उस परम पुरुष को कई लोग तो ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, कई अन्य ज्ञान योग द्वारा और कई अन्य कर्म योग द्वारा उसका सामीप्य पाते हैं। लेकिन जो मंदबुद्धि लोग हैं वे तत्व ज्ञाताओं से परब्रह्म के बारे में सुनकर उसी के अनुसार उपासना करते हैं। ऐसे उपासक भी जन्म मरण रूपी संसार सागर को पार कर जाते हैं। हे परश्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर जंगम में जो कुछ भी इस सृष्टि में है उन सब की उत्पत्ति क्षेत्रज्ञ से हुई है तो ऐसा जान, अर्थात प्रकृति पुरुष के संबंध से ही सृष्टि है, अन्यथा तो सारा संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है।
इस तरह जान समझ के जो मनुष्य नष्ट होते हुए भी चराचर जीवों में इस अविनाशी परब्रह्म को समान रूप से देखता है, अर्थात वह देखना उसी का है। कारण कि जो मनुष्य सब में संभाव से परब्रह्म के दर्शन करता है, वह स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह परम गति अर्थात मोक्ष को पा जाता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को सब तरफ से प्रकृति द्वारा ही किया हुआ जानता है और ये मानता है कि सभी गुणगुणों में ही बरतते हैं, तथा जो आत्मा को कर्ता रूप में नहीं देखता, ऐसा पुरुष ही यथार्थवत देखता है। जब मनुष्य जीवों के अलग अलग भावों को एकमात्र परब्रह्म में ही देखता है तथा जीवों को विस्तार परब्रह्म से ही जानता है, तब वह भ्रम परब्रह्म को पा लेता है। ये कौन्तेय परब्रह्म अनादि व निर्गुण होने के कारण शरीरों में रहता हुआ भी वस्तुतः ना तो कुछ करता है, ना ही कुछ किए हुए में लिप्त होता है। जैसे आकाश सब और व्याप्त है लेकिन सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में सर्वत्र व्याप्त है लेकिन निर्गुण होने से देह के गुणों में लिपायमान नहीं होता। हे बालक, जैसे एक सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात चराचर जगत के सभी प्राणियों में आत्मा के कारण ही चेतनता है। इस तरह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद और विकार युक्त प्रकृति से छूटने के साधन को जो लोग ज्ञान चक्षुओं द्वारा तत्त्व जान लेते हैं, वह लोग परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय अथ चतुर्दशो अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है वह मैं तुझे फिर से कहूँगा। उस ज्ञान को पाकर सभी मुनिजन इस भव सागर से मुक्त होकर परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को पा चुके हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान के आश्रय से मेरे स्वरूप को प्राप्त पुरुष सृष्टि के आदि में फिर से उत्पन्न नहीं होते तथा प्रलय के समय भी व्यथित नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव में ही है। हे भारत, मेरी महत्व ब्रह्म रूप प्रकृति सभी जीवों की योनि है। मैं उसमें त्रिगुण चेतन रूपी बीज का आदान अर्थात गर्भ का आदान करता हूँ। इस प्रकार जड़ चेतन के संबंध से जीवों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सभी योनियों में शरीर धारण करने वाले जीवों की माता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो गर्भ का धारण करती है। इस प्रकार मैं बीजों का आदान करने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति के प्रकृति से उत्पन्न सत्व रजो तमादि गुण विनाश रहित जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, तीन गुणों में से सत्व गुण निर्मल होने से प्रकाशक निर्विकार है, वह सुख व ज्ञान के अभिमान से बांधने वाला है। हे कौन्तेय, राग रूपी रजो गुण को तू कामना व आसक्ति से उत्पन्न हुआ समझ, वह जीवात्मा को कर्मों व कर्मफलों से बांधता है। इस तरह हे भारत, सभी देहाभिमानियों को मोहग्रस्त करने वाला तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न होता है। तो ऐसा समझ, तमोगुण जीवात्मा को प्रमाद आलस्य व निद्रा से बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, सत्वगुण मनुष्यों को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद की ओर प्रेरित करता है। हे भारत, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को दबाकर, रजोगुण सत्वगुण और वह तमोगुण को दबाकर तथा तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जब शरीर अंतकरण व इंद्रियों में चेतना व ज्ञान शक्ति की उत्पत्ति होती है, तब ऐसा समझना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई है। जब लोभ प्रवृत्ति अशांति विषय भोगों की लालसा आदि उत्पन्न हो, तब ही अर्जुन समझना चाहिए कि रजोगुण की वृद्धि हुई है। जब इंद्रियों व अंतकरण में अप्रकाश कर्तव्य के प्रति अप्रवृत्ति प्रमाद निद्रा आदि मोह की उत्पत्ति हो, तब ही गुरुनंदन तमोगुण की वृद्धि हुई है, ऐसा जानो। जब जीवात्मा अर्थात मनुष्य की मृत्यु सत्व गुण की वृद्धि के समय होती है, तब वह श्रेष्ठ कर्म करने वालों के दिव्य स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। रजोगुण की वृद्धि के काल में मनुष्य को प्राप्त मनुष्य कर्मासक्त मनुष्यों की योनि में जन्म लेता है, जबकि तमोगुण की वृद्धि के काल में मनुष्य को प्राप्त मनुष्य कीट पतंगे पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल भी सात्विक ही कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण से ज्ञान की, रजोगुण से निश्चय ही लोभ की, वह तमोगुण से प्रमाद मोह व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः सत्वगुण वह मनुष्य सत्वगुण वाले मनुष्य स्वर्ग आदि ऊँचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रह जाते हैं, जबकि तमोगुण वाले मनुष्य कीट पशु आदि नीचे योनियों में जाते हैं। जब दृष्टा त्रिगुणों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखता, अर्थात सब जीवों में संभार रखता हुआ ऐसा समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तब त्रिगुणों से पृथक मुझ सत्य व आनंद स्वरूप परब्रह्म को जान जाता है, तब वे मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य स्थूल शरीर की उत्पत्ति के हेतु तीन गुणों को लांग कर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था व सभी दुखों से विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। मनुष्य की शरीर 23 तत्वों
मन बुद्धि अहंकार पांच ज्ञानेंद्रियों पांच कर्मेंद्रियों पांच भूतों पांच इंद्रियों के विषय आदि का पिंड है। इसलिए त्रिगुणों की को इसकी उत्पत्ति का हेतु कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के गूढ़ वचनों को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, त्रिगुणों से अतीत हुए पुरुष के लक्षण क्या हैं और ऐसा पुरुष कैसे आचरणों का होता है? हे प्रभु, किस साधन से पुरुष त्रिगुणों से अतीत हो जाता है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य सत्व गुण से कार्य रूप प्रकाश को, रजो गुण से कार्य रूपी प्रवृत्ति को तथा तमो गुण से कार्य रूपी मोह को भी प्रवृत्त होने को बुरा नहीं जानता, वह निवृत्त होने पर भी उसकी कामना नहीं करता, जो उदासीन अर्थात साक्षी व दृष्टा के रूप में स्थित है और जो त्रिगुण से विचलित नहीं होता तथा यह समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मनुष्य पर ब्रह्म एकाग्र होकर उस स्थिति से कभी भी चलायमान या विचलित नहीं होता, जो सतत आत्मा में ही रमण करता रहता है, सुख दुख को समान समझता है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब समान है, जो ज्ञानी है, प्रिय अप्रिय को सम मानता है तथा अपनी निंदा प्रशंसा में भी सम रहता है, जिसके लिए मान अपमान बराबर है, मित्र शत्रु भी जिसके लिए सम है, अर्थात जिसका ना कोई मित्र है ना ही शत्रु, सभी प्रकार के कार्यों में जो कर्ता होने के अभिमान से रहित है, ऐसा मनुष्य गुणातीत कहलाता है। जो मनुष्य अभी अव्यभिचारी भक्ति योग से सतत मेरा भजन करता रहता है, वह भी त्रिगुणों को लांघकर मुझ पर ब्रह्म को पाने का अधिकारी है। कारण कि है अर्जुन, अविनाशी परब्रह्म अमृत अव्यय शाश्वत धर्म एकांतिक सुख सिय सब मेरे ही नाम है, अतः इन सब का परमाश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। अथ पंचदशो अध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य संसार रूपी अविनाशी पीपल की वृक्ष की जड़ आदि पुरुष परब्रह्म को, मुख्य शाखा ब्रह्मा को तथा वेदों के पत्तों के रूप में तत्त्व जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानता है। संसार रूपी उस अश्वत्थ वृक्ष की त्रिगुण रूपी जल से वृद्धित वह विषय भोग रूपी कोपलों वाले देव मनुज व त्रियक योनि रूपी शाखाएं ऊपर नीचे अथवा सब जगह व्याप्त हैं और मनुष्य योनि में कर्मा अनुसार बांधने वाली अहंता ममता वासना रूपी जड़ें भी ऊपर नीचे सभी जगह व्याप्त हो रही हैं। संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप बतलाया गया है, वैसा स्वरूप यहाँ अर्थात मृत्यु लोक में कल्पित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वृक्ष का ना तो कोई आदि है ना ही अंत और ठीक प्रकार से इसकी स्थिति भी नहीं है। अर्थात इस वृक्ष का निर्वचन करना वाणियों से परे है, अर्थात अहंता ममता वासना रूपी सुदृढ़ जड़ों वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के गहन वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर तदुपरांत परम पद को ढूंढना चाहिए, जिससे प्राप्त मनुष्य पुनः संसार में लौटकर नहीं आते तथा जिसके द्वारा इस अति प्राचीन संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, उस आदि पुरुष की मैं शरण हूँ, ऐसा निश्चय कर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जिन्होंने मान मोह आसक्ति रूपी दोषों पर विजय पा ली है और जो परमात्मा के स्वरूप को ही सतत ध्यान किया करते हैं, जो निष्काम है, ऐसे सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त पुरुष नाश रहित परम पद को पाते हैं। मेरे उस परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना ही चंद्रमा अग्नि आदि ही, वहाँ से प्राणी लौटकर संसार में नहीं आते। अर्जुन, इस संसार में जो सनातन जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है और वही जीवात्मा प्रकृतिस्थ होकर मन व पांच इंद्रियों को आकर्षित करता है। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ले जाता है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है उससे मन व इंद्रियों को ले जाकर नए शरीर में प्रविष्ट होता है। यही जीवात्मा कान नेत्र जीवा नासिका व मन के माध्यम से विषयों को भोगता है, लेकिन शरीर को छोड़ते हुए अन्य शरीर में स्थित या विषयों का भोग करते हुए त्रिगुणों से युक्त जीवात्मा को अज्ञानी नहीं जान पाते, ज्ञानी जन ही जानते हैं। योगी अपने हृदयस्थ आत्मा को प्रयत्नपूर्वक तत्व जानते हैं, लेकिन जिनका अंतकरण निर्मल नहीं है ऐसे अज्ञानी जन तो प्रयत्न करके भी आत्मा को नहीं जान पाते। हे अर्जुन, सूर्य जिस तेज से सारे संसार को प्रकाश प्रदान करता है और चंद्रमा में जो तेज है तथा अग्नि में जो दहकता है, वह तो मुझे ही समझ। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मैं अपनी शक्ति अपनी योग माया से सभी जीवों को धारण करता हूँ और अमृतमय चंद्रमा के रूप में समस्त वनस्पतियों अर्थात औषधियों को पुष्ट करता हूँ। सभी जीवों में स्थित मैं ही प्राणपान से युक्त होकर वैश्वान और अग्नि रूप में चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अंतर्यामी रूप से सभी जीवों के हृदय में मैं ही वास करता हूँ और मेरे द्वारा स्मृति ज्ञान अपोहन होता है। वेदों के माध्यम से जानने योग्य भी मैं ही हूँ और वेदांती और वेदज्ञ भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि के में नाशमान और अनाशवान ये दो प्रकार के पुरुष हैं, इनमें से समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला नाश को प्राप्त होने के कारण कहलाता है, जबकि कुठस्थ
अर्थात लोहार का वह लोहा जिस पर लोहे के अन्य टुकड़ों का नाम रूप दिया जाता है अविनाशी है। उनमें से भी उत्तम पुरुष अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है और पोषण करता है। उसे ही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा आदि संबोधन दिए गए हैं। मैं नाश को प्राप्त होने वाले क्षेत्र अर्थात नाशवान शरीर से बिल्कुल अतीत हूँ। जीवात्मा से मैं उत्तम हूँ और लोक में वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। हे भारत, जो ज्ञानवान मनुष्य मुझे इस तरह तत्व को जानता है वह ऐसा सर्वज्ञ मनुष्य ही सब तरह से सतत मुझ वासुदेव का भजन करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस तरह यति रहस्यमयी गूढ़ शास्त्र मेरे द्वारा कथित है। इसे तत्व जान लेने पर मनुष्य ज्ञानी वह कृतकृत्य हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय अथ षोडशो अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो निर्भीक शुद्ध अंतकरण वाले तत्व ज्ञान से निमित्त सतत प्रयत्नशील सात्विक दान दाता इंद्रियों के दमन करता अग्निहोत्र आदि क्षेत्र कर्म करता वेद शास्त्रों के अध्ययन करता निज धर्म के पालनार्थ कष्ट सहने वाले देह व अंतकरण की सरलता वाले मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट न पहुँचाने वाले सत्य व्यप्रिय भाषी अपकारी पर क्रोध न करने वाले कर्म में कर्तापन के त्यागी चित्त को स्थिर करने वाले निंदा न करने वाले जीवों के प्रति दयालु इंद्रियों का विषयों से संग होने पर भी निरासक्त रहने वाले कोमल लोक में शास्त्र के विरुद्ध आचरण न करने वाले तेज क्षमा धैर्य बाहरी शुद्धि किसी के भी प्रति शत्रु भावना रखने वाले अपनी पूज्यता का अभिमान न करने वाले जो ऐसे लोग हैं ऐसे पुरुष हैं वे देवी संपदा वाले हैं। देवी संपदा से युक्त होकर ही वह पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। हे पार्थ, आसुरी संपदा वाले पुरुष तंबी घमंडी अभिमानी क्रोधी कठोर व अज्ञानी होते हैं। आसुरी संपदा वाले पुरुषों के ये प्रमुख लक्षण हैं। देवी संपदा मोक्ष देने वाली है जबकि आसुरी संपदा बंधनकारी कही गई है। अतः हे पांडुपुत्र, तो शोक न कर, तू तो देवी संपदा वाला है। हे पार्थ, इस लोक में मानव समुदाय के भी दो प्रकार के हैं। एक वह मानव जो देवताओं के जैसे स्वभाव वाले हैं और दूसरे वह जो आसुरी स्वभाव के हैं। उनमें से दैवी प्रकृति वाले तो को तो विस्तार से कहा गया है लेकिन अब तो आसुरी प्रकृति वालों को भी विस्तार से मुझसे सुन। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना निवृत्ति और कर्तव्य कार्य से निवृत्त होना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अर्थात उन्हें भीतर बाहर की शुद्धि नहीं होती ना ही आचरण ही उनका श्रेष्ठ होता है। वे मिथ्याभाषी होते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का कहना है कि इस संसार में का कोई भी आश्रय नहीं है। असत्य वे ईश्वर के बिना ही स्त्री पुरुष संबंधों से स्वतः ही उत्पन्न हुआ है। अतः संसार का प्रमुख कारण काम ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है जो मंदबुद्धि हैं वे सबका बुरा करने वाले दुष्ट आत्मा संसार के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे दम्भी अभिमानी मध्ययुक्त मनुष्य कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं से आश्रय से अज्ञानता वश मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर भ्रष्टाचरणों से युक्त होकर संसार में विचरण करते हैं। वे मृत्यु होने तक रहने वाली अनगिनत चिंताओं से युक्त विषयों को भोगने में तत्पर इतना ही सुख ऐसा मानने वाले होते हैं। वे आशा रूपी सैकड़ों पाशों में बंधे रहकर काम क्रोध के वशीभूत हो विषय भोगों के निमित्त अन्याय मार्ग से धनादि संग्रह की चेष्टा किया करते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को मैं पा लूँगा। मेरे पास इतना सारा धन है और भविष्य में और हो जाएगा। मेरा वह शत्रु तो मारा जा चुका है, अब अन्य को भी मैं मार दूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं ऐश्वर्यों का भोगता हूँ, सारी सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हैं तथा मैं बलशाली व सुखी हूँ। मैं बहुत धनी हूँ, बड़े परिवार वाला हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष पाऊँगा। इस प्रकार वे लोग अज्ञानता के कारण भ्रमित हैं। इस तरह अज्ञानता से भ्रमित बुद्धि वाले अज्ञानी मोहरूपी जाल में फंसकर विषय भोगों के प्रति आसक्त हो घोर अपावन नरक में गिरते हैं। स्वयं को भी श्रेष्ठ मानने वाले ऐसे घमंडी मनुष्य धर्म धन और मान से युक्त होकर दिखावटी यज्ञों के माध्यम से पाखंड रचते हुए शास्त्रों के विपरीत शास्त्रों की उपेक्षा करके यज्ञ आदि कर्म किया करते हैं। ऐसे मनुष्य अहंकार भाव बल घमंड कामना क्रोध आदि के वशीभूत दूसरों की निंदा करने वाले और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। ऐसे द्वेषकर्ता पापाचारी व दुष्ट कर्मी नीच मनुष्यों को मैं बारम्बार आसुरी प्रवृत्ति की योनियों में धकेल देता हूँ। हे कौंते, ऐसे मुड़जन जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि को प्राप्त होकर मुझे नहीं पाते वरन आसुरी योनि से भी नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में जाके गिरते हैं। काम क्रोध लोभ ये तीन नरक के द्वार आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कौंते, नरक के इन तीनों द्वारों अर्थात काम क्रोध और लोभ से मुक्त हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है अर्थात अपनी आत्मा के उद्धार के लिए चेष्टा करता है जिससे उसे परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
जो मनुष्य शास्त्र सम्मत विधि का परित्याग करके स्वेच्छापूर्वक आचरण करता है उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, ना ही उसे परम गति व सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए तेरे इस कर्तव्य और अकर्तव्य अर्थात युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा मानकर तुझे शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय अतः सप्तदशो अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने जिज्ञासु भाव से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र सम्मत विधि से देवताओं का पूजन नहीं करते वे कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या वे सात्विकी हैं, राजसी हैं अथवा तामसी हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसे लोगों को शास्त्र सम्मत विधि से रहित स्वभावजा श्रद्धा सात्विकी राजसी व तामसी तीनों ही प्रकार की होती है, वे कैसे? उसे तो मुझसे सुन। हे भारत, मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धा भाव वाला है, अथवा जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही हो जाता है। सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस प्रकृति के मनुष्य यक्ष राक्षादि का पूजन करते हैं और तामस प्रकृति के मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। जो मनुष्य अशास्त्र सम्मत विधि से केवल मन कल्पित मन की भावना करके घोर तप करते हैं, दम्भ अहंकार कामना आसक्ति बल के अभिमान वाले हैं। जो मनुष्य शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय तथा शरीर मन इंद्रियादि रूप वाले पांच महाभूतों को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कलेश पहुंचाते हैं, उन ज्ञानीनों को तू आसुरी प्रकृति वाला समझ। हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रद्धा के तीन भेद हैं उसी प्रकार भोजन भी सबको स्वभावानुसार तीन प्रकार का ही प्रिय है, उसी प्रकार यज्ञ तप दान भी तीन प्रकार के हैं, उनके अलग अलग भेद तू मुझसे सुन। भोजन के ऐसे पदार्थ जो आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीतिवर्धक रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले स्वभावतः मन को अच्छे लगने वाले हैं वे सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। भोजन के ऐसे पदार्थ जो कटु खट्टे लवण अधिक गर्म तीक्ष्ण रूखे दाहकारी दुख चिंता रोगाकारी हैं वह राजस लोगों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन जो कच्चा रसहीन दुर्गंध वाला बासी जूठा अपवित्र होता है वह तामस लोगों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्र विधि से निश्चित है तथा जिसे करना ही चाहिए ऐसे मन में विचार करके जो लोग निष्काम भाव से उस यज्ञ को करते हैं तो उनके द्वारा किया गया वह यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ दिखावट के लिए पाखंड करने के लिए यह फल की कामना से किया जाता है वह राजस यज्ञ कहलाता है, ऐसा तो समझ। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित अन्नदानहीन मंत्रहीन दक्षिणारहीन रहित श्रद्धा हीन होकर किया जाता है वह यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानियों का पूजन पावनता सहजता ब्रह्मचार्य अहिंसा आदि शारीरिक तप कहलाते हैं। ऐसी वाणी बोलना जिससे किसी को उद्वेग ना हो, सबको प्रिय लगे, हितकारी हो व यथार्थ हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन परमात्मा के नाम का जपाभ्यास आदि निश्चय ही वाणी का तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता शांति परमात्म चिंतन की प्रकृति मनोनिग्रह अंतकरण की पावनता आदि मन तप कहलाते हैं। किसी भी फल की आकांक्षा से न किए हुए कर्मों को करने वाले निष्काम योगी जन द्वारा गहन श्रद्धा के लिए किए गए उक्त तीनों तप सात्विक कहलाते हैं। ऐसा तप जो सत्कार मान व पूजा पाने अर्थात जिसमें स्वार्थ की भावना हो अथवा किसी भी स्वार्थ पूर्ति के लिए मात्र पाखंड के लिए किया जाता है वह क्षणिक फल वाला तप राजस कहलाता है। ऐसा तप जो मूर्तावश हठपूर्वक मन वाणी देह पीड़ा या अन्य किसी का बुरा करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहलाता है। दान देना कर्तव्य है अर्थात दान देना ही चाहिए। जो मनुष्य इस भाव से देश काल व पात्र को प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर दान करता है वह दान सात्विक कहलाता है। उपर्युक्त के विपरीत जो दान कलेश पूर्वक जिसमें प्रत्युपकार की भावना हो या जो फल प्राप्ति की कामना से दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। ऐसा दान जो तिरस्कार करके अयोग्य देश काल में अपात्र को दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। ओम तत्सत आदि तीन तरह के सच्चिदानंदन पर ब्रह्म का नाम कहा गया है, उसी के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण वेद यज्ञ आदि की रचना की गई है। अतः वेद के कथनकर्ता श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा शास्त्र सम्मत विधि से निश्चित की गई यज्ञ दान तप आदि क्रियाएँ सदैव परमात्मा के नाम ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ की जाती हैं। मोक्ष के अभिलाषी पुरुष ये मानकर कि जो कुछ भी है वह सब तत् नाम वाले परमात्मा का है, नाना प्रकार के यज्ञ तप दान आदि क्रियाएं निष्काम भाव से करते हैं। परमात्मा का सत्य नाम सत्य व श्रेष्ठ भाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हे पार्थ, उत्तम कार्य में भी सत्य शब्द ही प्रयुक्त किया जाता है। यज्ञ तप और दान में जैसी स्थिति है वैसा भी वह भी सत्य ही गई है तथा परमात्मा के निमित्त किया गया कर्म भी निश्चित ही सत्य है, ऐसा कहा गया है।
हे पार्थ, श्रद्धा रहित होकर किया गया हवन, दिया गया दान, किया गया तप और भी जो कोई कर्म या शुभ कर्म है वे सब असत ही कहा गया है, अर्थात उसे ना तो इस लोक में कोई लाभ प्राप्त होता है ना ही मरणों के उपरांत। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे निष्काम भाव से सच्चिदानंदन परमात्मा का सतत चिंतन करे, शास्त्रानुसार श्रद्धा भाव से कर्मों को करे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। अथ अष्टादशो अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे कृष्णसूदन, मैं संन्यास व त्याग को तत्त्व पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कितने ही ऐसे विद्वान जन हैं जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, अर्थात स्त्री पुरुषों प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किए कर्मों को वे संन्यास कहते हैं, और कितने ही अन्य विचारशील लोग सर्व कर्म के फल को के त्याग को ही त्याग कहते हैं। कई अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक कर्म में कोई ना कोई दोष है, अतः जितने भी कर्म हैं त्यागने के ही योग्य हैं। जबकि अन्य विद्वानों का कहना है कि यज्ञ, दान, तप आदि जो भी कर्म हैं वे त्यागने के योग्य नहीं हैं। लेकिन हे वरश्रेष्ठ, दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। हे वरश्रेष्ठ, सात्विक, राजस और तामस भेद के त्याग तीन प्रकार से कहा गया है। यज्ञ, दान, तप आदि जो भी कर्म हैं वे त्यागने के योग्य नहीं है, वरन वह तो कर्तव्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कारण कि यज्ञ, दान व तपादि तीनों ही कर्म बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले कर्म हैं। अतः हे पार्थ, यज्ञ, दान, तपादि के अतिरिक्त भी अन्य कर्मों को निरासक्त व निष्काम होकर अवश्य ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया गया उत्तम मत है। निश्चित और काम्य कर्मों का त्याग उचित है, लेकिन नियत कर्म जिन्हें सहज कर्म भी कहा जाता है का त्याग कदापि उचित नहीं है। अर्थात मोहवश ऐसे कर्म का त्याग तामस त्याग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानकर कि जो भी कर्म है वे दुख रूपी है तथा दैहिक कलेश के भय से वे कर्तव्य कर्मों को त्याग देता है, तो ऐसे राजस त्याग के फल को वह नहीं पाता। हे अर्जुन, जो ये मानता है कि शास्त्र द्वारा नियत कर्म करना ही चाहिए वह तो कर्तव्य है, ऐसे कर्म को निरासक्त और निष्काम होकर करना सात्विक त्याग कहलाता है। अर्थात कर्तव्य कर्मों के प्रति आसक्ति वह फल का त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, सच्चा योगी, सच्चा त्यागी तो वही है जो कल्याणकारी कर्म के प्रति द्वेष नहीं रखता और कल्याणकारी कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता, तथा जो निर्मल सत्व गुण से युक्त संशय रहित ज्ञानी भी है। कारण कि कोई भी देहधारी भी मनुष्य कर्मों को पुण्यतः त्याग ही नहीं सकता, इसलिए जो कर्म के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने वालों के कर्मों का ही मरणोपरांत भी अच्छा बुरा व मिश्रित फल हुआ करता है, लेकिन त्यागी मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, क्योंकि उनके कर्म वस्तुतः कर्म नहीं होते। हे महाबाहु, सभी कर्मों के सिद्ध सफल होने के ये पांच कारण सांख्य सिद्धांत में बतलाए गए हैं, जिन्हें तू मुझसे भली प्रकार जान। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान अर्थात जिसके आश्रय से कर्म किए जाएं, और कर्ता अर्थात कर्मों को करने वाला, भिन्न भिन्न करण अर्थात जिन जिन इंद्रिय आदियों और साधनों से कर्म किए जाएं, और अलग अलग विभिन्न चेष्टाएं, तथा पांचवा कारण हेतु देव अर्थात पिछले जन्म में किए गए शुभ शुभ कार्यों के संस्कार, जिसे शास्त्रों में प्रारब्ध कहा गया है। व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से शास्त्रानुसार या शास्त्रों के विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ऊपर कहे गए ये पांच कारण हैं। लेकिन इतना होने पर भी जो व्यक्ति अशुद्ध बुद्धि होने से, कर्मों के होने से मात्र शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता मानता है, वह मैली बुद्धि वाला ज्ञानहीन वास्तविकता को नहीं देखता। जिस मनुष्य के अंतकरण में अर्थात चित्त में कर्तापन का अभाव है और जिसकी बुद्धि सांसार के पदार्थों व सांसारिक कार्यों में संलिप्त नहीं है, वह लोकहंता होने पर भी पाप से आपंतर नहीं होता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों कर्म प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के समन्वय से कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। इस तरह करण अर्थात जिस इंद्रियों और साधनों से कर्म किया जाए, और कर्म अर्थात करने का नाम, कर्ता अर्थात कर्मों को करने वाला अर्थात, ये तीन तरह के कर्म संग्रह कहलाते हैं। उनमें भी ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद में सांख्य शास्त्र के तीन तीन बतलाए गए हैं, उन्हें भी हे अर्जुन तो भली प्रकार मुझसे सुन। जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष अलग अलग सभी जीवों में उस एक अविनाशी परमात्मा को बिना भेदभाव अर्थात संभाव के देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक समझ। लेकिन जिस ज्ञान से पुरुष सभी जीवों में भांति भांति के नाना भावों को पृथक पृथक करके जानता है, उस ज्ञान को तो राजस समझ। जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य
क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले शरीर को ही आत्मा समझकर संपूर्ण की भांति आसक्त है, और जो युक्तिहीन तात्विक अर्थ से रहित व तुच्छ है उसे तामस ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्र रीति से निश्चित हैं और जिसमें कर्तापन का विमान नहीं है तथा निष्काम पुरुष द्वारा जो राग द्वेष से रहित होकर संपादित हैं वे सात्विक कहलाते हैं। लेकिन जिस कर्म को करने से अधिक श्रम करना पड़ता है और जो भोगेच्छु या अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है वह राजस कहलाता है। जो कर्म प्रतिफल हानि हिंसा व सामर्थ्य क्षमता का विचार न करके अज्ञानता से ही प्रारंभ किया जाता है वह तामस कहलाता है। जो कर्ता निरासक्त अहंकार के बोलना बोलने वाला धैर्य उत्साह वाला कार्य की सिद्धि या सिद्धि में प्रसन्नता या दुख आदि का विचार न करने वाला है वह सात्विक कहलाता है। जो कर्ता आसक्त कर्म फल को चाहने वाला लोभी दूसरों को कष्ट पहुँचाने के स्वभाव वाला अशुद्ध आचरण का हर्ष शोक में संलिप्त है वह राजस कहलाता है। जो कर्ता अयुक्त अशिक्षित घमंडी धूर्त सभी की आजीविका को नष्ट करने वाला शोक करने वाला आलसी दीर्घ सूत्री है वह तामस कहलाता है। हे धनंजय अब तो बुद्धि और धारण शक्ति का गुणा अनुसार तीन तरह के भेद मुझसे पुनः विभाग पूर्वक सुन। ये बात जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग अर्थात महाराजा जनक की तरह बुद्धि को लोक शिक्षा हेतु बरतना, निवृत्ति मार्ग अर्थात श्री शुक जी व सनकादि ऋषियों की तरह परमात्मा में एक भाव रहकर उपरामता पूर्वक विचरना, कर्तव्य कर्तव्य को भय अभय को तथा बंधन में मोक्ष को यथार्थ उसी वास्तविक रूप में जानती है वह सात्विकी कहलाती है। जिस बुद्धि द्वारा पुरुष धर्म अधर्म कर्तव्य कर्तव्य को भी यथार्थवत नहीं जानता वह पुरुष वह बुद्धि राजसी कहलाती है। पार्थ तमोगुण से युक्त जो बुद्धि अधर्म को भी यही धर्म है ऐसा मानती है और इसी तरह अन्य सभी पदार्थों को भी प्रतिकूल मानती है वह तामसी है। पार्थ जिस अभिचारिणी धारण शक्ति द्वारा पुरुषस्थान योग से मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है वह सात्विक कहलाती है। लेकिन पार्थ फल को चाहने वाला पुरुष जिस धारण शक्ति द्वारा अत्यधिक आसक्त होकर धर्म अर्थ कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजस कहलाती है। हे प्रथा पुत्र अर्जुन दुर्जन मति वाला पुरुष जिस धारण शक्ति द्वारा निद्रा भय चिंता दुख व उन्मुक्तता को धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामस कहलाती है। हे वरश्रेष्ठ अब सुख के भी तीन भेद तो मुझसे सुन। जिसमें साधक पुरुष भजन ध्यान सेवा आदि के अभ्यास में रमता है और जिसके द्वारा दुखों का अंत हो जाता है ऐसा वह सुख साधन के आरंभिक काल में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन उसका प्रतिफल अमृत के समान होता है अर्थात भगवत बुद्धि की कृपा प्रसाद से उत्पन्न वह सुख सात्विक कहलाता है। जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है वह भोग काल में अमृत तुल्य तो प्रतीत होता है लेकिन उसका प्रतिफल विष के समान होता है अर्थात ऐसा सुख राजस कहलाता है। भोग काल व प्रतिफल में भी आत्मा को मोह लेने वाला निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस कहलाता है। धरती आकाश या देवताओं में और इनके इससे अतिरिक्त कहीं पे ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन त्रिगुणों से रहे तो कारण कि सारा संसार त्रिगुणों वाली माया का ही विकार रूप है। हे परमतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्म स्वभावतः उत्पन्न गुणों के अनुसार ही विभक्त किए हुए हैं। उनमें अंतकरण चित्त का निग्रह इंद्रिय दमन धर्म पालनार्थ कष्ट सहना बाहर भीतर की शुद्धि दूसरों के अपराध क्षमा करना मन इंद्रिय व शरीर की सरलता सहजता वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन परमात्मा तत्व की अनुभूति करना आदि ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरता तेज धैर्य चतुराई युद्ध से न भागना दान देना निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचने वाले शास्त्रानुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौ पालन क्रय विक्रय रूपी सत्य व्यवहार आदि वैश्य का स्वाभाविक कर्म है तथा सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से संलग्न पुरुष भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। कैसे उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है ये विधि तो मुझसे सुन। अर्जुन जिस परमात्मा से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है जिसके द्वारा ये सारा संसार व्याप्त है जैसे बर्फ से जल व्याप्त है उसी तरह संसार भी परमात्मा से व्याप्त है। उसी परमात्मा को अपनी सहज अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य परम सिद्धि को पा लेता है। वली प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से स्वयं का धर्म गुण रहित हो तब भी अपना ही धर्म श्रेष्ठ है कारण कि निश्चित किए गए निज धर्म रूपी कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतः कौनते गुण रहित होने पर भी सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए कारण कि धूप से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी रूप से दूषित हैं। सर्वत्र निरासक्त बुद्धि वाला स्पृहा रहित विजित अंतकरण वाला मनुष्य सांख्य योग से उस परम नैष्क्रिय सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कौन्ते अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस तरह सांख्य योग से पर ब्रह्म को प्राप्त होता है और जो ज्ञान योग की पराकृष्टा है परानिष्ठा है उसे भी तू मुझसे सार रूप में सुन।
पवित्र बुद्धि से युक्त आत्मा का नियमन धारण करने वाला, आत्मा में रमण करने वाला, शब्दादि विषयों को त्याग कर राग द्वेष को पूर्णता नष्ट करने वाला, एकांत व पवित्र देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति से अंतकरण में इंद्रियों का संयमन कर मन वाणी और शरीर को वशीभूत करने वाला, नित्य ध्यान योग का पारायण करने वाला, दृढ़ वैरागी, अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह प्रवृत्ति का त्याग करके ममता रहित और शांत अंतकरण वाला मनुष्य सच्चिदानंदन परब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होने का अधिकारी है। परब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मना योगी ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना ही किसी की कामना करता है। सभी जीवों में समबुद्धि ऐसा योगी मेरी पराभक्ति मेरे परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मेरी उस पराभक्ति से वह मुझ परमात्मा को जो और मैं जितना हूँ जिस प्रभाव वाला हूँ भली प्रकार जान लेता है, और उसी भक्ति से वह मुझको तत्व जानकर मेरे अनन्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इस तरह मेरे परायण मेरा आश्रित हुआ कर्म योगी सभी कर्मों को करता हुआ मेरी अनुकंपा से सनातन अविनाशी परम पद को पा जाता है। अतः हे अर्जुन, तू सभी कर्मों को मन से मुझको अर्पित करके समत्व बुद्धि योग का आश्रय लेते हुए मेरे परायण होकर सतत मुझ में चित्त को लगाने वाला बन। इस तरह सतत मुझ में चित्त लगाने वाला होकर तू मेरी अनुकंपा से जन्म मरण आदि सभी संकटों को सहज ही पार कर लेगा, तथा यदि अहंकार के वशीभूत होकर मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि तो अहंकार वश समानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा ये निश्चय यह सोचना मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरन ही युद्ध में लगाने वाला होगा, अतः क्षत्रिय स्वभाव तेरा युद्ध में लगाने वाला होगा। हे कौंते, जिस कर्म से तू मोहवश मुख मोड़ना चाह रहा है या मोहवश जिस कर्म को तू करना नहीं चाहता उसको भी तू पूर्वव्रत सहज स्वाभाविक कर्म से आबद्ध होकर परवश होकर करेगा, कारण कि हे अर्जुन, देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सभी जीवों में को अंतर्यामी परमात्मा अपनी माया के प्रभाव से उनके कर्मानुसार परमाता हुआ सब जीवों के हृदय में विराजमान है। हे भारत, तू सब तरह से उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर उसकी कृपा से तू असीम शांति और सनातन परम पद को प्राप्त करेगा। इस तरह गुप्तादि गुप्त ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इस रहस्यमय ज्ञान को तू अच्छी तरह से विचार करके जैसा भी चाहता है वैसा ही कर। इतना समझते ही जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा तब भगवान इतना समझाने पर भी जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सभी गोपनीयों में अति गोपनीय मेरे परम रहस्यमय वचन को तू पुनः सुन, कारण कि तू मेरा अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस अति हितकारी वचन को मैं तेरे लिए ही कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव में अनन्य प्रेम द्वारा अविरल मन वाला बन और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा भक्ति से प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, मेरी तुझसे ये सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तू मुझे अतिशय प्रिय है। अतः तू सभी धर्मों को सभी कर्मों को त्याग कर केवल मुझ वासुदेव की ही शरण ग्रहण कर, मैं तुझे सभी पापों से विमुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। हे अर्जुन, तेरे हितार्थ कहे गए इस गीता रूपी अति रहस्य को किसी भी काल में तुझे तप रहित मनुष्य से, अवक्त से, जिसकी सुनने की इच्छा ना हो उससे, तथा जो दोष दृष्टि से देखता है उसे भी नहीं कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरे प्रति अतिशय प्रेम रखते हुए इस अति रहस्यमय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और पृथ्वी पर उससे बढ़कर भविष्य में मेरा अन्य कोई भी प्रिय नहीं होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्मपूर्ण संवाद रूपी गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ये मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से व दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण ही कर लेगा तो वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों में जाएगा। हे पार्थ, क्या तूने इस गीता शास्त्र को एकाग्र भाव से श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञानतावश उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया है? भगवान श्री कृष्ण के ऐसा पूछने पर अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आपकी अनुकंपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, अतः मैं संशय रहित हो गया हूँ, अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय ने कहा कि हे राजन, इस तरह मैंने वासुदेव है महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्यमय और रोमांचकारी संवाद को सुना। वेद व्यास जी की अनुकंपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से मैंने इस अति गोपनीय योग को अर्जुन से कहते हुए स्वयं योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए इस रहस्य में कल्याणकारी और अद्भुत संवाद का स्मरण कर मैं बार बार हर्षमग्न हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अति विलक्षण रूप को भी बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में बड़ा विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षमग्न हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योग योगेश्वर श्री कृष्ण है, जगांडीवधारी अर्जुन है, श्री विजय विभूति और अचल नीति भी वहीं पर है, ऐसा मेरा मानना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय।